हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू AVKS एकेडमी। मैं आयुषी मदान आपके सामने पूरा पॉलिटी के लिए, जो भारत की राज व्यवस्था है, अपकमिंग CAPF एग्जाम के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और पूरा एक स्पीडी मैराथन के लिए आज हम डिसाइड करेंगे। पूरा मैराथन में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, उससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब डिसाइड करेंगे। पीपीटी हमारी जो है, जो हम चलाएंगे, वो पूरी की पूरी आपको इंग्लिश मीडियम में रहेगी, पर मेरे जो समझाने का तरीका होगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, तो इस पूरी आप मैराथन से अपकमिंग CAPF एग्जाम के लिए पूरा का पूरा तैयारी कर सकते हो कि पूरे CAPF में, पॉलिटी में ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम आने ही वाला है 6 तारीख को, तो बहुत सारे उसमें आपको पता है कि चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहीं पर ही क्लियर हो जाएंगी, एक रिवीजन हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, पूरा सुन लेते हैं, तो आपका मैक्सिमम चीजें जो है वो रिविजन के लिए कम्प्लीट हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इंडियन पॉलिटी को। सबसे पहले तो देखिए भाई, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उससे पहले एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार रिपीट होने वाला है। और वो शब्द कौन सा है? राज्य, जिसे हम कहते हैं राज्य। अब ये समझना है हमें कि राज्य शब्द का अर्थ क्या होता है। एक कोई भी राज्य, स्टेट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हर बार ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बहुत बार इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमसे ये बहुत इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 में भी पूछा गया सवाल है कि स्टेट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। पूरे पॉलिटिक तरीके से ऐसी राज्य व्यवस्था होती है जहां पर हमें सारी चीजों को इंक्लूड करके बनाया जाता है, और वो सारी चीजें जो हैं उसके ये चार इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। इन चार को आपको प्रॉपरली पढ़ के जाना है, कोई भी स्टेट बनाने के लिए इन चारों एलिमेंट्स की हम लोगों को बेहद जरूरत होती है। जिसमें से सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन। अगर किसी भी देश में पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो कैसे बनेगा पूरा एक देश? वो देश बनाने के लिए पॉपुलेशन की तो बेहद जरूरत है, तो दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इज देयर। सो फर्स्ट एलिमेंट जो कि हमें हमारा स्टेट बना के देता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। सेकेंड है सॉवरनिटी, संप्रभुता। सॉवरनिटी का अर्थ होता है, इसका मीनिंग है कि कोई भी कंट्री जो है उसके एक्सटर्नल और अपने इंटरनल अफेयर्स में वो फ्री है डिसीजन लेने के लिए। तो कोई भी कंट्री अगर वो अपने एक्सटर्नली और इंटरनली डिसीजंस को ले पा रही है किसी और के कंट्रोल के बिना, उसे हम क्या कहेंगे? सॉवरिन कंट्री। जब हमारा भारत जो है वो ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर हुआ करता था, तब हमारे पास पॉपुलेशन भी थी, टेरिटरी भी थी और गवर्नमेंट भी थी, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं थी। इसलिए उस समय भारत को एक स्टेट नहीं कहा गया था। भारत को किस रूप में डिनोट किया गया था? भारत को एक कॉलोनी जो है वो बताया गया था। सो उस तरीके से जो सॉवरेनिटी है उसका मतलब होता है कि एक्सटर्नली और इंटरनली जो है सारे डिसीजन मेकिंग पावर उस देश के गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो वही थर्ड एलिमेंट भी है, गवर्नमेंट। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो एक देश की सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट में हमारे पास थ्री अलग अलग बॉडीज भी आती हैं, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव जो कि सारे लॉज को बनाती है, जुडिशरी जो कि सारे लॉज के ऊपर अगर कोई इनजस्टिस होता है तो जस्टिस प्रोवाइड करती है, वही एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करवाती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, और गवर्नमेंट एक देश में होना बहुत जरूरी है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है। उसी तरीके से टेरिटरी, टेरिटरी अब आप किसी एक एरिया है, कोई भी कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे ऑयल का कुछ बना हुआ है या कोई आयरन माइनिंग की प्लेस है, क्या उसको हम कोई स्टेट कह देंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास टेरिटरी होना, एक अपना क्षेत्र होना उतना ही जरूरी। इस तरीके से हमारे पास जो है ये हमारे एलिमेंट्स बनते हैं स्टेट के। स्टेट कंप्राइजेस ऑफ दीज फोर एलिमेंट्स,
यूपीएससी इस पूरे चीज के लिए हमें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में ट्रिक करके क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि स्टेट क्या होती है। आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देंगे एंड आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये चार चीजें इसमें काउंट की जाती है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद अब आप सभी लोग जानते हैं जो हम पूरा ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ एक ही टॉपिक के अराउंड रहेगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्या होता है यार, देखो जैसे कोई भी हमारा स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल या कॉलेज में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक अपने पास अलग से टाइम टेबल होता है जिसमें हमें ये पता होता है कि भाई आज इस टीचर की क्लास है, आज इस सब्जेक्ट की क्लास है, होता है ना। उससे हमें क्या फायदा मिलता है? उससे हमें ये फायदा मिलता है कि हमें मेंटली प्रिपरेशन हो जाते हैं, हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो सोचिए जरा, एक इतना बड़ा देश है, ठीक है, 140 करोड़ से भी ज्यादा जनता रहती है, तो उस देश को चलाने के लिए क्या हमें कुछ रिटन सेट ऑफ रूल्स नहीं चाहिए होंगे? हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं चाहिए होंगे जो हमें ये हेल्प करें कि वो देश चलता कैसे, उसकी गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, उसमें पावर्स क्लियरली लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं। तो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एक देश को चलाने के लिए बेहद जरूरी है। हमें हमारे पास वो रूल्स और रेगुलेशंस की पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक देश को चलाने के लिए ये सारी चीजों की आवश्यकता जो है वो होने वाली है। वी रिक्वायर दीज थिंग्स। तो वही है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो संविधान है इसमें हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई हैं। तो उन्हीं को हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि इन संविधान की लिस्ट में क्या क्या चीजें हमारे पास दी गई हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग मैराथन होगा, आपकी मैक्सिमम चीजें यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। सबसे पहली चीज, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन बैठे थे, किसने डिसाइड किया कि क्या ऐड होगा, किसने डिसाइड किया कि क्या डिलीट होगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली बैठती है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को कंडक्ट की जाती है। और इसमें जो है ये आइडिया सबसे पहली बार, सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से कि ये जो आइडिया है वो किसने दिया था, ये आइडिया दिया था M.N. रॉय ने। कंफ्यूज मत होना, M.N. रॉय और B.N. राव अलग पर्सन है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों में, ठीक है। सो M.N. रॉय और B.N. राव अलग अलग पर्सन में काउंट किए जाते हैं, ठीक है भाई। तो अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से लोग काउंट होते हैं। तो M.N. रॉय जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का। कौन से ईयर में ये आइडिया दिया गया था, वो है 1934, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये आइडिया दिया गया और उसके बेसिस पे एक असेंबली की फॉर्मेशन करवा दी गई और वो असेंबली का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि संविधान सभा के नाम से जानी जाती है, जिसकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। और उस मीटिंग के बाद डिसाइड किया गया कि क्या बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऐड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से जस्ट पहले एक मिशन भी आया था, उस मिशन का नाम क्या है, उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। और ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये 1946 में आता है। और इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत के अंदर जो है क्या बना दी गई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। M.N. रॉय फर्स्ट आइडिया, M.N. रॉय B.N. रॉय, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, अभी बताऊंगी इसकी भी डिफरेंस भी। अब भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके जो है सबसे पुराने मेंबर जो है सचिदानंद सिन्हा, उनको क्या चूज किया गया था एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट, इस असेंबली का चूज किया गया था। लेकिन टेम्पररी प्रेसिडेंट से तो काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पर परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज कर लिया गया था। एक खास बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके दो वाइस प्रेसिडेंट थे, एक वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। फर्स्ट वन इज H.C. मुखर्जी, दूसरे हैं V.T. कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये दो पर्सन यहाँ पे T.T. कृष्णमाचारी एंड H.C. मुखर्जी, जो कि नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई जाती है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं, कितने लोग शामिल थे इसमें, तो टोटल नंबर जो कॉम्पोजिशन की थी वो 389 थे। और फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था।
389 मेंबर्स में से 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया से आते हैं और बचे हुए 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट से और 4 चीफ कमिश्नर से जैसे कि असम वहां से चूज किए जाते हैं। तो जो कॉम्पोजिशन है वो आपके सामने लिखी हुई है। एक खास बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी उसमें सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से लोगों को चुना गया था। सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से मेरा मतलब है इट इंक्लूड्स नॉट ओनली हिंदू और मुस्लिम्स और सिख, इट इंक्लूडेड ऑल पीपल लाइक हिंदू मुस्लिम सिख पारसी एंग्लो इंडियंस क्रिश्चियन एससी एसटी वुमेन ऑल्सो। And let me tell you one more important point. In this Constituent Assembly, 15 were the women. How many? 15. Can you name some of them? कुछ नाम उसपे से देख लेंगे। जो women थी इसके अंदर, उसमें से कुछ तो है काफी famous, जिनके बारे में आप जानते होंगे, महारानी अमृता कौर। अमृता कौर भारत की जो है first health minister भी रही हैं। साथ ही साथ she was credited to have establishment of AIIMS also. एम्स का जो कॉन्सेप्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वो महारानी अमृता कौर ने ही स्टार्ट करवाया था, तो वो भी एक लेडी थी जो इनसे जुड़ी हुई थी। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और भी बहुत सारी फीमेल्स जुड़ी हुई थी, जैसे कि सुब्बू लक्ष्मी, ठीक है, ये भी आप एक फीमेल याद रखेंगे। हंसा मेहता, ये भी एक फीमेल थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है जुड़ी हुई थी और इन्होंने ही आगे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो काफी सारी करवाई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से सवाल काफी ज्यादा अलग अलग तरीके से हमसे पूछे जाते हैं। आप सबको ये सारे नाम, ये सारे कौन कौन से इसमें जुड़े हुए थे याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट बात एक बताऊं इसके अंदर, कभी भी क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से तो ये बात याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महात्मा गांधी पार्टिसिपेंट नहीं थे। महात्मा गांधी इसमें जुड़े हुए नहीं थे क्योंकि महात्मा गांधी जो है उनकी ऐसी सोच थी कि अभी तो फिलहाल उनकी लाइफ में भी काफी डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, जैसे कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई की डेथ हो गई थी, इसकी वजह से महात्मा गांधी इनके पार्टिसिपेंट नहीं थे। बाकी सब लोग थे, जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी को पढ़ के जाना। ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर्स आप लोगों को लर्न करने हैं, जिसमें चेयरमैन जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, लेकिन बाकी के मेंबर्स पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन मेंबर थे, तो इसमें से गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव एंड टी जी कृष्णाचारी। अब इसमें एक पॉइंट ये याद रखेगा, पहले बी एल मित्तर और डीपी खेतान को चूज किया गया था, लेकिन बीएल मित्तर ने रिजाइन दिया था बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ एंड साथ ही साथ डीपी खेतान की डेथ हो गई थी, इसकी वजह से इनको रिप्लेसमेंट पे ये आए थे। यूपीएससी ने अभी तक तो इस पे सवाल किया नहीं है, बट चांस है कि ऐसा भी कोई सवाल पूछा जा सकता है कि किसने किसको रिप्लेस किया था। तो एक ये वाले फैक्ट्स भी आप लोगों को लर्न करने हैं कि इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये वो पर्सन है जिन्होंने एक लाइन बोली थी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास जितनी पावर्स हैं उतने वर्ल्ड के किसी भी कोर्ट के पास पावर्स नहीं है। तो ये कभी एक कोटेशन पूछा जाता है, कोटेशन पूछना यूपीएससी का फेवरेट एक टॉपिक है, तो कभी भी ऐसा कोटेशन पे क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी। बाकी ये पर्सन्स हैं, इनके आप नाम याद रखेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कौन कौन से किस किस तरीके से काम उन्होंने किए थे। तो ये है हमारे पास एक लिस्ट, इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कॉमनवेल्थ की जो हमारी जो एक तरीके से कॉमनवेल्थ में हम लोग जुड़ गए थे, ठीक है, म्यांमार पार्ट नहीं है, इंडिया पार्ट है। म्यांमार भी एक समय में इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, और म्यांमार इंडिया से कब अलग हुआ है, म्यांमार इंडिया से अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद अलग होता है 1937 में। आप सभी लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को यूं समझ लीजिए कि आपको इसको रट के जाना है, भूलना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करके कभी मत जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है एक तो ये काम किया मई 1949 में, और मैं ये बता रही थी कि कॉमनवेल्थ में म्यांमार पार्ट नहीं है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और उनकी कैपिटल का नाम भी रंगून था, उन्होंने कैपिटल के नाम भी चेंज कर दिया, उन्होंने म्यांमार का बर्मा जो है बर्मा का म्यांमार कर दिया और कैपिटल का नाम रंगून से नाय पाए तो कर दिया। पर जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीजें थी ना उन्होंने सब चेंज कर दी, उनको नहीं चाहिए था, ठीक है।
तो अभी हम कॉमनवेल्थ नेशंस के पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। ये पर्टिकुलर डेट आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कल को एग्जाम में इन सब का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा सकता है कि ये वाले जो फ्लैग है, सॉन्ग है, एंथम है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, कब कब कौन सी चीज अडॉप्ट की गई है। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए लर्न करना। नेशनल फ्लैग की डेट, नेशनल फ्लैग, डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग यू शुड नो। डिजाइनर कौन है नेशनल फ्लैग के? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने डिजाइन कहाँ किया था बैठ करके? आंध्र प्रदेश में। ये डिजाइन जो है नेशनल फ्लैग का आंध्र प्रदेश में तैयार किया गया था। उसके बाद हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, जो ये अडॉप्ट किया गया है, ये इस पर्टिकुलर डेट को किया गया है, 24 जनवरी 1950। इस डेट को और भी याद करो। ये डेट एक और चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये डेट है इम्पोर्टेंट जो हमारा आप लोगों को याद होना चाहिए। 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का नाम चेंज हुआ था। पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश किया गया था। मैं बस रिलेट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी एक डायमेंशन पे क्वेश्चन नहीं पूछती है, डायमेंशन बहुत सारे हैं। होलिस्टिकली डायमेंशन को जितना कवर करोगे उतना फायदे में रहोगे। तो आप सभी लोगों को ये नहीं कि बस 24 जनवरी 1950 रट के चले गए, हो गया। और भी तो एस्पेक्ट्स है ना, कवर तो हमें ही करने हैं वो सारी चीजें, तो और भी एस्पेक्ट्स को आप ही को कवर करते हुए चलना है, क्योंकि यूपीएससी आज के टाइम पे सिर्फ पॉलिटी पढ़ के गए, पॉलिटी से क्वेश्चन हो गए, ऐसा नहीं होता। बहुत हॉलिस्टिक है आज के टाइम पे। एक टॉपिक से क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि केवल एक पढ़ के गए और पेपर क्लियर हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, करंट अफेयर, हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी अलग अलग डायमेंशन पढ़ने हैं, करंट अफेयर में भी सारी चीजें कवर अप करनी है। तो डायमेंशन बहुत सारे हैं, सिलेबस बहुत सारा है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आप यहाँ पे पढ़ करके पूरी रिवीजन करके समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन सी बुक से लिया गया है, कौन सी नॉवल से? नॉवल नेम इज आनंद मठ, राइट। देन इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल एंथम, देन नेशनल एंथम हैज बीन रिटन बाय, किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते हैं, जिनको 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। उनकी फैमिली के बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए। सत्येंद्रनाथ टैगोर, उनके ब्रदर जो कि इंडिया के फर्स्ट सिविल सर्वेंट रहे हैं, उनके कजन ब्रदर अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग को डिजाइन किया था, और वही भारत माता की पेंटिंग जो है बाकी और जगह पे जितने भी हमारी मूवमेंट्स हुई हैं, स्वदेशी, नॉन कोऑपरेशन, सब जगह पे भारत माता की पेंटिंग को एज अ पेट्रियटिज्म जो है, पेट्रियटिज्म को दिखाने के लिए यूज किया गया है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट आज पे आगे, जो है राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में चूज किया गया। एवरीवन नोज अबाउट दैट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उनका फाइनल सेशन इस पर्टिकुलर डेट को होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल 11 सेशंस में इतना टाइम लगा करके, इतना पैसा लगा करके कंप्लीट होता है। सामने देख लेंगे सब लोग इसको, फैक्ट्स को पूरा रीड कर लेंगे ये वाले, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है भाई। तो एक तो ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को याद करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद इसमें आप लोग थोड़ी सी एक टॉपिक को और ऐड करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन सी फीमेल्स थी, ठीक है भाई। ये सब नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फीमेल्स के नाम। तो उसमें से आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, ठीक है, महारानी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित का याद रख लीजिएगा, सुब्बू लक्ष्मी को याद कर लीजिएगा, एक एनी मैसेक्रिम भी थी, ठीक है, एनी बेसेंट नहीं थी, एनी बेसेंट अलग है, ठीक है, वो लाला लाजपत राय के साथ होम रूल लीक मूवमेंट को स्टार्ट की थी, वो अलग है, ये एनी मैसेक्रिम है, ये बिल्कुल अलग पर्सन है। तो ये दो पर्सन आपको अलग से याद भी करने हैं, ठीक है। सुचेता कृपलानी ऑल्सो वाइफ ऑफ जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी सबको याद है, जेबी कृपलानी वो पर्सन है जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय कौन थे? जेबी कृपलानी, यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, जेबी कृपलानी 1947 में। लेकिन वही सेम एक सवाल और पूछती हूँ मैं, 1948 से 49 तक हमारे प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? तो 48 और 49 में प्रेसिडेंट जो है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पट्टाभी सीतारामया। इनका पूरा नाम था भोगराज पट्टाभी सीतारामया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है।
इज इज क्लियर? ये नाम लिख लो भाई सब लोग, पट्टा भी सीताराम या इम्पॉर्टेंट है। नाम पे तो क्वेश्चन देखो हमेशा पूछे ही जाते हैं, नाम वगैरह तो यूपीएससी का फेवरेट ही है, और सब स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है नामों में, तो उसी के लिए मैंने क्लियर किया है नाम वगैरह आप लोगों को। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आगे समझेंगे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था, मैंने बताया था ना, मैं बताऊंगी अभी, वो है बी एन राव। ये अलग पर्सन है। बी एन राव जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर की तरह थे। नाम था इनका बेनीगल नरसिंह राव। ये बेनीगल नरसिंह राव जो है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन को एडवाइस करना था। दैट मीन्स ये खुद उतना कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रखते होंगे तभी तो एडवाइस कर रहे हैं। क्यों इनको एडवाइजर बनाया गया? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ साथ ये भारत की तरफ से ऐसे फर्स्ट जज रहे हैं जो कि आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सर्व करके आए हैं, भारत की तरफ से फर्स्ट जज। ठीक है, अगर मैं अभी तक की पूरी बात करूं कि कितने जजेस इंडिया की तरफ से ऐसे रहे हैं जो आईसीजे में सर्व करके आ चुके हैं, तो क्या आंसर रहेगा उसका? कि अभी तक इंडिया की तरफ से आईसीजे में टोटली 4 जजेस रह चुके हैं। 4। व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोस 4 जजेस? यस एवरीवन, देखिए भाई, सबसे पहले बी एन राव, देन आर एस पाठक, देन नगेंद्र सिंह, देन दलबीर भंडारी, प्रेजेंटली सर्विंग, अगेन इलेक्टेड। ठीक है, आईसीजे हेग नीदरलैंड, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर सर्व करने वाले अभी तक इंडिया के 4 जजेस रहे हैं। नाम हो जाएंगे लर्न, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको ऐसे ही लर्न होना चाहिए। पढ़ते हैं आगे भाई, तो ये सब आपको पूरा एकदम क्लियर होगा, ये सारी चीजें, सारे फैक्ट्स आप लोगों को लिख लेने हैं। तो ये था बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सारे सवाल हमसे पूछे जाएंगे, इसको आप लोग लिख लेना भाई। इसके अंदर सीधा सवाल ये बनते हैं कि कौन यहाँ पर कितने टाइम पीरियड के लिए रहा है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे लिए के नोट्स जो हैं प्रॉपरली इतने ही याद करने हैं, पूरा जितना भी आपको बताया गया है। अब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट तैयार करती है चीज़, जिसको हम कहते हैं प्रियाम्बल। अब ये प्रियाम्बल क्या चीज़ है? देखिए, प्रियाम्बल जो है, अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है तो वो सिर्फ प्रियाम्बल को पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा कि इंडिया का नेचर कैसा है, इंडिया किस तरीके से काम करता है, ये समझ में आ जाएगा। तो प्रियाम्बल जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा हिस्सा है जो कि तैयार किया गया था एक समरी के रूप में। तो प्रियाम्बल हमको किस तरीके की चीज प्रोवाइड करता है, ये हम लोगों को एक समरी के रूप में एक इंफॉर्मेशन को देता है। तो प्रियाम्बल इज बेसिकली दी समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई बुक पढ़नी है आपको, तो बुक पढ़ने के लिए पूरी बुक तो नहीं पढ़ोगे एक बार में, और अगर आपको ये जानना है कि भाई उस बुक में किसके बारे में डिस्कशन की गई है, तो आप उसमें दिए गए इंडेक्स को पढ़ोगे। सेम वही चीज, अगर आपने इंडेक्स को पढ़ लिया तो आपको ये पता चलेगा कि उस बुक में कंटेंट क्या क्या है। सेम उसी प्रकार से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते हो, तो आपने अगर प्रियाम्बल पढ़ लिया तो वो समरी के रूप में पता चल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, समझे बात को? तो प्रियाम्बल एक ऐसी चीज है जो बहुत बाद में लिखी गई थी, क्योंकि समरी तो बाद में ही लिखी जाती है, लेकिन लागू ये हो चुका था, ये एड पहले दिन से ही कर दिया गया था। इसको लाने वाले पर्सन जो है वो 13 दिसंबर 1946 को लेकर के आए थे। द पर्सन नेम इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे, बट द नेम एट दैट टाइम वॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नॉट प्रियाम्बल। Now it is being known as preamble, but then it was known as objective resolution. Am I clear? So, 13 दिसंबर 1946 को objective resolution हमारा existence में आता है, और उसके बाद से इसमें सारी चीजों को add कर दिया जाता है। So, ये question भी पूछा जाता है कि इसको कौन लेकर के आए थे? Answer is जवाहरलाल नेहरू। तो एक बार मैं जरा preamble की यहाँ पर picture लगा रही हूँ, आप सभी लोगों को समझना है कि preamble में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। तो देखिए भाई, प्रियाम्बल जो है, जिसकी फर्स्ट लाइन दी गई है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि प्रियाम्बल को जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है? प्रियाम्बल की पावर का मेन सोर्स कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन ही यहीं से बनेगा,
फ्रॉम वेयर डज द प्रियम्बल डिराइव द अथॉरिटी? क्या आंसर लगाएंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया. क्वेश्चन आता है कि डज प्रियम्बल हैज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी? क्या प्रियम्बल में कोई सोर्स ऑफ अथॉरिटी है? बिल्कुल है, लिखा हुआ है अपने पास कि प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ अथॉरिटी है. ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है इसमें प्रियम्बल के 5 वर्ड्स को दिया गया है. इन 5 वर्ड्स को समझना है. 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं? इन 5ों वर्ड्स के लिए आप लोगों को सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, लर्न कर लीजिएगा उसको. SSDR. SSDR से आप लर्न करेंगे, जिसका मतलब है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. 5 वर्ड्स हैं. सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब मैंने आज बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास में बता दिया था. सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता. संप्रभुता का सीधा मीनिंग होता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट है. हमारे इंटरनली एक्सटर्नली सारे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए इंडिया क्या है? इंडिपेंडेंट. दैट इज नोन एज सॉवरेन कैरेक्टर. देन इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स सोसाइटी में वेलफेयर के लिए काम करना है. इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कैपिटलिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है. क्या फॉलोअप किया जाता है? सोशलिज्म. देन कम्स अप सेक्युलर. सेक्युलर वर्ड का मीनिंग होता है जिसमें यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन. इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. अग्री करते हैं सब लोग? ठीक है, अगर ऐसा होता तो हमें एग्जाम फॉर्म में पूछता ना कि भाई आपका जो रिलीजन है वो बाय डिफॉल्ट तो एक ही रिलीजन के रूप में आता. पर अभी हमसे पूछा जाता है कि आपको रिलीजन फिलअप करना है. दैट मीन्स इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सेक्युलर है. फोर्थ वर्ड आता है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. किसने दिया था ये कोट? अब्राहम लिंकन. तो ये जो डेमोक्रेसी है, जिसका सीधा मीनिंग है हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सब कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे. जितने भी इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाएंगे ऑल विल बी इलेक्टेड. राइट, इलेक्शंस होते हैं ना, 18+ हर एक कोई वोट देता है. उसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत इलेक्टेड मेंबर्स को यहाँ पे चूज किया जाता है. उसके बाद वर्ड आता है रिपब्लिक. रिपब्लिक का मीनिंग होता है नो हेरिडिटरी रूलिंग इन इंडिया, जिसका मीनिंग है कि भाई इलेक्शंस के प्रोसेस के थ्रू चूज किया जाएगा, किसी भी तरीके की हेरिडिटरी रूलिंग नहीं होगी. हेरिडिटरी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि जो अभी राजा है या अभी जो PM है या कोई भी हाईएस्ट पोस्ट में है उनके बेटे नेक्स्ट आएंगे, ऐसा नहीं है. क्या होंगे भारत में? इलेक्शंस. 18+ इलेक्शंस भारत में कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम निकाला है जो एक बार क्वेश्चन UPSC ने पूछा भी हुआ है, जिस सिस्टम का नाम है VVPAT. फुल फॉर्म क्या है VVPAT की? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसमें आप लोगों को ये एक नागालैंड के इलेक्शंस में पहली बार लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में यूज किया गया था. VVPAT का मतलब होता है, ये T है, ठीक है, ना दिखे तो थोड़ा जूम कर लेना. VVPAT का मतलब होता है कि भाई आपने जिसको भी वोट दिया है, जिस पर्टिकुलर पार्टी को, उसके लिए आपको एक वोटर की वेरिफिकेशन की फॉर्म में एक पेपर की स्लिप जनरेट होगी कंप्यूटराइज्ड, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने जिस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया है क्या वो एक्चुअली में उसी पार्टी के पास गया है या फिर EVM मशीन को हैक तो नहीं कर लिया गया है. ठीक है, बहुत न्यूज में रही थी ना ये चीजें. इसी के लिए VVPAT के सिस्टम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया था. ठीक है, तो ये है भाई यहाँ पर SSDR. ये याद कर लेना SSDR. एंड लेट मी टेल यू, ये SSDR जो वर्ड्स है ये हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया है. ठीक है, कौन से क्या ऐड हुआ आई विल टेल यू. देन कम्स अप द जस्टिस. जस्टिस कितने टाइप का? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. UPSC इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि जस्टिस कितने टाइप का है. 3 याद करने हैं, चौथा नहीं है. रिलीजियस नहीं लिखा हुआ है. कईयों को डाउट रहता है कि रिलीजियस वर्ड इज मेंशन, नहीं है मेंशन. ठीक है, अगला है यहाँ पर लिबर्टी. लिबर्टी कितने तरीके की होती है? लिबर्टी जो है वो यहाँ पर 5 तरीके की दी हुई है. आप 5ों को यहाँ पर लिबर्टी के जो मीनिंग है वो याद में रखने हैं. कौन कौन सी है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ठीक है, 5 वर्ड्स हैं लिबर्टी के यहाँ पर. सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये 5ों का सीक्वेंस सेम एग्जैक्टली याद रखना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं. थॉट कुछ भी सोचो, एक्सप्रेस करो अपने आप को किसी में भी, मानो, वर्शिप रखो, फेथ रखो, दैट इज योर चॉइस. तो ये क्या है? लिबर्टी का है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पर इक्वालिटी. इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी,
इक्वालिटी भी प्रोवाइड की जाती है, फ्रैटर्निटी भी दी जाती है, इक्वालिटी स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे पहले यूपीएससी के एनडीए एग्जाम में गर्ल्स वर नॉट अलाउड, राइट? अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी में इक्वल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए एग्जाम में गर्ल्स को इंक्लूड करवा दिया। तो वो किसका एग्जाम्पल है अपने पास? अपॉर्चुनिटी का। क्योंकि हमारा प्रियम्बल ये इंश्योर करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन दिया है। ओके, सो यहाँ पे फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? इन कॉमन लैंग्वेज फ्रैटर्निटी का मीनिंग होता है ब्रदरहुड प्रमोट करना। तो वो ब्रदरहुड यहाँ पे प्रमोट करते हुए इंडिविजुअल की डिग्निटी, यूनिटी के लिए काम करना है। ये मेन वर्ड्स मेंशनड है हमारे प्रियम्बल में, राइट? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम था, प्रियम्बल बाद में पड़ा है नाम। और ये जो है, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि प्रियम्बल में जो डेट मेंशन है वो उस डेट की मेंशन है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949। वो डेट मेंशन नहीं है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, इम्प्लीमेंट 2 महीने बाद हुआ था, राइट? तो ये डेट मेंशन है, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? लॉ डे मनाते हैं, राइट? और कौन सा डे मनाते हैं, कोई जरा बताए इसमें कि 26 नवंबर को एक दिन और मनाया जाता है, किसी का बर्थडे आता है और भारत में वो दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता मैं बता देती हूँ, हम लोग उस दिन नेशनल मिल्क डे मनाते हैं बिकॉज उस दिन व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे आता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर इकट्ठा किए हैं मैंने, वो पढ़ेंगे। सोर्सेज, सबसे पहली चीज तो प्रियम्बल का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया गया है, बोरोड वॉस या बोरोड कह लो, या फिर किस कंट्री ने स्टार्ट किया था ये कॉन्सेप्ट, वो है यूएसए। अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को शुरू किया है। उसके बाद जो वर्ड्स आप लोग जानते हैं सारे, जो मैंने वर्ड्स अभी बताए हैं, जस्टिस कितने तरीके का, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, कहाँ से बोरो किया है? रशिया के रेवोल्यूशन से। सेम ऐसे ही जो आपने वर्ड्स पढ़े, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1789 से 99। आई होप एवरीवन नोज अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन थोड़ा बहुत। ग्यूलोटीन याद करो जरा, डॉक्टर ग्यूलोटीन, लुइस 16, मैरी एंटोनी, बेस्टाइल परेड। अभी एक चीज मैं और बता दूं, अपकमिंग CAPF के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत न्यूज में चल रहा है, क्योंकि बेस्टाइल डे की परेड के लिए अभी फिलहाल जो है मोदी जी को इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, और यहाँ पे भारत की पंजाब रेजिमेंट जो है वो यहाँ पर जाने वाली है। ठीक है, साथ में पंजाब रेजिमेंट भी जाएगी। अभी यहाँ पर जो है मोदी जी को इनवाइट किया ना बेस्टाइल डे परेड, बेस्टाइल कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। ओके, सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बेस्टाइल डे का बहुत सिग्निफिकेंस है, उसी के लिए इन्वाइट भी किया गया है। एंड पंजाब रेजिमेंट जो है ये वो रेजिमेंट है जो कि दूसरी बार फ्रांस जाने वाली है, जिसका मतलब ये है कि भाई पहली बार कब गई थी? World War I। ठीक है, दोनों वर्ल्ड वॉर्स में भी पार्टिसिपेट किया था, और फिर यहाँ पर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, मतलब अब जाके पार्टिसिपेट करेगी बेस्टाइल डे की परेड में। ओके, बेस्टाइल डे इज इम्पोर्टेंट। बाकी आई थिंक ये सबको पता ही, मैंने बता ही दिया है कि जवाहरलाल नेहरू जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उन्होंने ही ड्राफ्ट करे थे, कौन सी डेट को? 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद नेक्स्ट प्रियम्बल के फीचर्स, ये भी आप लोगों को पता है, प्रियम्बल जो है वो समरी और एसेंस की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये प्रियम्बल ना तो किसी पे कोई पावर का सोर्स देता है, ना ही प्रोहिबिशन लगाता है। ये एक स्टेटमेंट एग्जैक्टली पूछी जा सकती है यूपीएससी एग्जाम में, तो ये स्टेटमेंट आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लर्न करनी। ये जो है नॉन जस्टिशेबल है, इसका मतलब है कि प्रियम्बल के जितने भी पॉइंट्स हैं वो नॉन एनफोर्सेबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। साथ ही साथ प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से केस में बताया गया था? केशवानंद भारती केस, यू ऑल नो दैट। ठीक है, प्रियम्बल से जुड़े हुए हमारे 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सबसे पहला केस है प्रियम्बल से जुड़ा हुआ, बेरूबारी यूनियन केस, और ये बेरूबारी यूनियन केस जो है वो 1960 में किया गया था। बेरूबारी एक जगह का नाम है वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी में, जलपाईगुड़ी का एक विलेज है बेरूबारी, तो उस बेरूबारी विलेज में ये केस पूरा हुआ था, और उसके तहत यहाँ पर इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको उन्होंने आगे चल के करेक्ट भी कर लिया था।
सेकेंड न्याला जो केस है वो यही है, केशवानंद भारती केस इन ईयर 1973 वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। ओके, तो यहाँ पर इसमें क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन को अपना चेंज करके बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये जो केशवानंद भारती केस है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस, आप सभी जानते हो। तो केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, आर्टिकल 26 को चैलेंज किया गया था उसके अंदर। एंड साथ ही साथ केशवानंद भारती केस के लिए आप लोगों को एक ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ के जाना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी प्रिंसिपल उन्होंने डिनोट करी थी, ठीक है। एंड इसमें बोला गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट एंड थर्ड जो यहाँ पर है केस वो कौन सा है, LIC ऑफ इंडिया केस, एंड इन विच ईयर 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस आया था, जिसमें बोला गया है प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रल का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रियम्बल से जुड़े हुए सिर्फ तीन केसेस आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ प्रियम्बल में चेंजेस भी किए गए हैं, प्रियम्बल अमेंड किया गया है, प्रियम्बल इज अमेंडेबल, और एक ही बार अब तक प्रियम्बल में चेंज भी किया गया है। कौन से एक्ट के तहत, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जिसमें प्रियम्बल में वो तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे जो कि ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स अभी हमने पिछली स्लाइड में इनके बारे में पढ़ा है। तो ये तीन वर्ड्स ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि दीज थ्री वर्ड्स या इनमें से कोई भी एक वर्ड या दो वर्ड इज प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स इंसेप्शन या फिर ओरिजिनल, तो ऐसा नहीं है, ओरिजिनली ये वर्ड्स प्रेजेंट नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। कब, 1976 एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी दीज थ्री वर्ड्स वर एडेड। अभी तक एक ही बार चेंज आया है, इसे हम ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल अमेंडेबल है, मतलब कि प्रियम्बल में चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला भाई ये वाला समझ लेंगे एक साथ ही, जैसे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया, सेम उसी तरीके से प्रियम्बल को भी किया गया। बाकी ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। तो प्रियम्बल ये पूरा पूछा जाता है, इसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिएगा, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो हमने कहाँ से बोरो की है, प्रियम्बल की लैंग्वेज को बोरो किया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी चीज याद रखनी है कि प्रियम्बल से जुड़े हुए 3 से 4 कोट्स भी हैं, जो अलग अलग पर्सन ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने, पॉलिटिशियंस ने यहाँ पे कही है। तो प्रियम्बल से जुड़े हुए हम कोट्स भी मैं आपको बता दूं, जिसमें सबसे पहला कोट आता है, प्रियम्बल इज अ की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए की नोट की तरह काम करता है, और वो ये लाइन किसने कही है, सर अर्नेस्ट बेकर, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसने बोली है, नाना जी पालकी वाला। ये कौन थे, नाना जी पालकी वाला केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती के लॉयर थे, तो नाना जी पालकी वाला अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो प्रियम्बल है, एक और कोट दिया गया है कि प्रियम्बल इज अ हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरोस्कोप समझते हैं, कुंडली, ठीक है। तो प्रियम्बल हॉरोस्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसने कही थी ये लाइन, प्रियम्बल हॉरोस्कोप है ये लाइन कही गई थी बाय डॉक्टर KM मुंशी। अभी आपने इनका नाम पढ़ा है, क्यों पढ़ा है आपने इनका नाम, ड्राफ्टिंग कमिटी याद करो, जस्ट पढ़ा था अभी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया उसके लिए, ठीक है ना भाई। प्रियम्बल ऐसे कम्प्लीट हो जाएगा, प्रियम्बल में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है इधर, वो आप ऐसे ही कम्प्लीट करोगे, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इससे बाहर, कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्रियम्बल तसल्ली से पढ़ना, ये सारी चीजें जितनी भी लिखवाई हैं, प्रियम्बल आपका यहाँ तक कंप्लीट है, इसमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड मत करिएगा, ठीक है, जितना बताया इसको पढ़िएगा। अब जैसे प्रियम्बल आपने पढ़ा, उसी तरीके से हमारे पास आते हैं अब शेड्यूल्स, ठीक है। प्रियम्बल समरी हो गया, शेड्यूल्स क्या है, ठीक है, बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, बड़े क्वेश्चन आते हैं, वन ऑफ द फेवरेट है यूपीएससी का, 5th 6th खूब पूछते हैं। तो बात अब यह आती है कि ये है क्या, मतलब आर्टिकल्स तो दे रखे हैं, क्यों ये इतनी मेहनत करके ये वाला पढ़ा दिया, सिलेबस बढ़ा दिया हमारा फालतू का। तो बात ये है कि भाई जो चीजें आर्टिकल्स में मिस हुई हैं, जो चीजें हम आर्टिकल्स में नहीं लिख पाए, वो एक्स्ट्रा टेबल में हमने शेड्यूल्स बना के लिख दिए, ठीक है। क्यों, क्या हुआ कि आर्टिकल्स बहुत सारे वैसे लिख दिए हमने, तो अब कुछ चीजें ऐसी जो वहां भी लिखना भूल गए,
वो हमने क्या लिख दिया, एक्स्ट्रा टेबल शेड्यूल्स की फॉर्म में। कितने हैं टोटल अपने पास, 12, लेकिन ओरिजिनली कितने थे, 8, 4 बाद में ऐड हुए हैं। अब सवाल ये आता है ओरिजिनली वर्ड से मेरा क्या मतलब है। ओरिजिनली वर्ड से मेरा मतलब है कि भाई जब जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, इस डेट को अपने पास कितने थे, 8 थे, फिर बाद में 4 ऐड हुए और टोटल कितने बन गए हमारे पास, 12। समझे बात को? ठीक है भाई, चलो एक एक को समझ लेते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल इसमें क्या है, ये देखो ट्रिक तो आई थिंक सबको आनी चाहिए, और इस स्टेज पर ट्रिक नहीं आती तो थोड़ा दिक्कत हो जाए लर्न करने को, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देती हूँ ट्रिक आपको कैसे लर्न करनी है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, वो अगली स्लाइड पे है, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओल्ड पीएम इसका ऐसा मतलब नहीं कि हम कोई पुराने पीएम की बात कर रहे हैं या हमारे पुराने पीएम फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कल को कोई और भी पीएम आ जाएंगे तब भी सेम ही ट्रिक रहने वाली, ये तो ट्रिक है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है किसी पीएम से, ठीक है ना, ऐसा मत समझना, उसी के लिए बता रही हूँ। तो भाई यहाँ पर टी से क्या मतलब है, टी से मतलब है टेरिटरीज का, क्योंकि इस पूरे शेड्यूल में सारी स्टेट्स सारी यूटीज सबकी एक लिस्ट दी गई है। कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 28, यूटीज 8, इसमें भी किसी को डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि होना नहीं चाहिए इसमें कोई डाउट, क्योंकि ये पता होना चाहिए क्लियर 36 हैं अपने पास टोटल, 28 स्टेट के नाम, 28 यूटी के नाम, ये 28 स्टेट और यूटी का क्या 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 नाम है, कौन सा एरिया है, सब कहाँ डिटेल में दिया गया है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। तो फर्स्ट शेड्यूल पूरा डील करता है स्टेट्स और यूटीज के नाम, उनके एरिया, उनका ज्यूरिसडिक्शन सबसे डील करता है। कल को कोई नई स्टेट बनती भी है तो भी कहाँ चेंज करेंगे, इसी में ही, ठीक है। कल को कोई नया स्टेट कुछ भी डिविजन हो जाती है, स्प्लिट हो जाता है, जैसे जैसे इफ आई टॉक अबाउट जो मर्जिंग और स्प्लिटिंग की बात करूं, तो लास्ट स्प्लिटिंग या मर्जिंग कब हुई है, लास्ट स्प्लिटिंग या मर्जिंग हमारी हुई है दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली 26 जनवरी 2020 में। इकलौती ऐसी यूटी है जिसको मर्ज किया गया, वरना सारी तो स्प्लिटी होती हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख 2019 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर ही क्यों चूज किया गया था, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख को स्प्लिट किया गया था इसलिए चूज किया गया था बिकॉज उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे आता है, और उस दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूनिटी डे, ठीक है। चलो भाई अगला है यहाँ पर सेकंड शेड्यूल। अब सेकंड शेड्यूल को समझो, इसमें क्या दिया गया है ट्रिक के हिसाब से, ई ई मतलब क्या है, एमोलमेंट्स, ठीक है। तो एमोलमेंट्स है इसके अंदर। अब एमोलमेंट्स वर्ड जो है इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो दिए गए हैं किस किस के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जजेस, सीएजी, इन सब की एक लिस्ट है जिसमें उनसे जुड़े हुए सारे एमोलमेंट्स अलाउमेंसेस सारी चीजों को लिखा गया है। देखो अभी तक तो इससे आया नहीं है कोई सवाल, पढ़ा सकता है, यूपीएससी है ना, कुछ भी कर सकते हैं, तो सवाल तो देखो कहीं से भी बन सकता है। तो बेसिक बात है इसके अंदर कि एमोलमेंट्स और अलाउवेंसेस आपको अलग से इसमें पढ़ने हैं, ठीक है, ये नहीं पढ़ने क्या मिलते हैं, बस ये पता होना चाहिए कि किस किस का इसमें लिखा गया है, बस इतना ही पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। अगला है यहाँ पर भाई थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या चीज आती है, ओथ या अफर्मेशंस, मतलब कि कौन किसको शपथ दिलवाएगा और उनके शपथ में क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं, वो किसमें लिखे गए हैं हमारे थर्ड शेड्यूल। तो ओथ और अफर्मेशंस का ये टॉपिक रहता है। एक बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है, सेकंड शेड्यूल में जो है प्रेसिडेंट के एमोलमेंट्स लिखे गए थे, वही जो थर्ड शेड्यूल है उसमें एमोलमेंट्स के बारे में, इसमें जो ओथ है उसमें प्रेसिडेंट की ओथ नहीं आती है, तो ठीक है याद रखो ये चीज याद हो जाएगी, क्योंकि ओथ जो है प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल्स में लिखी गई है, वो इसमें नहीं लिखी गई है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा। सभी लोग जानते हैं राज्यसभा को, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन राज्यसभा का, कहाँ की कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे यूपी 31 हाईएस्ट सीट्स हैं, ऐसे ही दिल्ली 3 सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो राज्यसभा में कितनी होती हैं, ये मैं रब कर देती हूँ जरा इधर से, ठीक है ना, लिख लेना ये पूरा लिख लेना जरूर कि भाई कब कब क्या स्प्लिट डिविजन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेती है यूपीएससी, ठीक है।
हाँ भाई आओ वापस इस वाले टॉपिक पे ही आओ वापस। ये देखो भाई राज्यसभा जो है ना, यहाँ पर राज्यसभा के पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 245, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन कुछ ऐसे रहती है 233 और 12 की। 12 क्या होते हैं यहाँ पर, नॉमिनेटेड। जैसे लोकसभा में पहले दो नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन, जो कि 2020 में रिमूव कर दिए गए, लेकिन राज्यसभा में आज भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं जो कि चार फील्ड से चूज किए जाते हैं। मैं लिख सकती हूँ पर राइटिंग अच्छी आ नहीं रही है इसमें इतनी, इसलिए मैं लिखना अवॉइड कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ आप लोग लिख लो और जिनको पता है वो रिवाइज कर लो, ठीक है। मतलब मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है वैसे, इसमें अच्छी नहीं आ रही, ठीक है। तो वैसे मैं बता देती हूँ कि भाई आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस और साइंस, इन चार कैटेगरी से यहाँ पे चूज किए जाते हैं। ये अभी सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था, उन्होंने सोशल सर्विस की जगह स्टेट सर्विस वर्ड कर दिया, बस छोटे से शब्द से खेला यूपीएससी ने, ठीक है। तो बस ये चीज याद रखना भाई, ऐसे से भी पूछे जाते हैं सवाल, तो कंफ्यूज मत होना, छोटे छोटे शब्दों से भी कई बार खेल दिया जाता है, लेकिन जो प्रिपेयर्ड है वो समझ जाएंगे क्या होगा, ठीक है ना, याद हो जाएगा भाई ये। तो राज्यसभा में जो 233 सीट्स है ना, ये कहाँ से आती हैं, ये आती हैं हमारे भारत के स्टेट से। स्टेट्स के एमएलए इन एमपी को चुन के भेजते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दू, मैं एग्जाम्पल एक पर्सन का दे रही हूँ, बहुत फेमस पर्सन हो गए हैं इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ उनका, जैसे कि राघव चड्ढा, ठीक है। राघव चड्ढा को सभी लोग अब जान गए ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वो परिणीति जो है चोपड़ा उनके फियांसे हैं। तो राघव चड्ढा जो है वो राज्यसभा के एमपी हैं, कहाँ से, पंजाब से, ठीक है, पंजाब से उनको चुना गया है, पंजाब के एमएलए ने उनको मिल करके एमपी बनाया है राज्यसभा का, समझे बात को। तो इस तरीके से ये चीज याद रखना, स्टेट जो है वो यहाँ पर एमएलए चुनती है, एमएलएज जो हैं वो मिलकर के चुनते हैं ये। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये एमएलए बन जाएंगे एमपी ना, एमएलए एमपी कभी सेम हो ही नहीं सकते ना भाई, स्टेट और सेंटर अलग-अलग है। यहाँ पर जो ये एमएलएज हैं ये मिलके एमपी को चुनते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दिया आपको, मैं इसके भी एग्जांपल दे दूं, पीटी उषा, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर रहे हैं पहले, ठीक है, और जैसे गौतम गंभीर नहीं, हरभजन सिंह वो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉमिनेटेड मेंबर्स अलग आते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स अलग आते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स आपको याद रखने इस तरीके से, ठीक है भाई। राज्यसभा की सीट्स का डिवीजन सबका, यूपी, एमपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, सबका डिस्ट्रीब्यूशन किसमें दिया है, फोर्थ शेड्यूल, ठीक है ना। चलो अगले वाले पे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला वाला जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, सोचना भी मत स्किप करने की, क्योंकि अभी ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है ना संडे को, तो उसमें भी क्वेश्चन आए थे, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया, सीडीएस में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो भाई देखो फिफ्थ और सिक्स तो है कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, जिसमें बात करता है कि शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स भारत में बहुत सारी जगह पे है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो पूरे भारत की पॉपुलेशन का 8.6% किसकी पॉपुलेशन है, एसटी की पॉपुलेशन है 8.6। और ये डेटा मैं आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि 2024 का सेंसस या 2021 का सेंसस तो हुआ ही नहीं है, वो इलेक्शंस के बाद कंडक्ट होगा, ठीक है। तो देखो भाई अब क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में अलग से ये कुछ क्राइटेरिया दिया जाता है। क्राइटेरिया किस प्रकार से है, सबसे पहली चीज तो क्या है, उस स्टेट में अच्छी खासी प्रिपोंडरेंस ऑफ, देयर शुड बी अ प्रिपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, एंड जो उस स्टेट का एरिया होना चाहिए वो एक रीजनेबल और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर एरिया एक अच्छा खासा रीजन रीजन होना चाहिए। साथ ही साथ उस स्टेट में क्या, उस एरिया में क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्ड होनी चाहिए, बैकवर्डनेस, और नोटिफिकेशन कौन इशू करेंगे उसको इंक्लूड करने का, उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर नोटिफिकेशन इशू करता है तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि यार देखो प्रेसिडेंट के पास ऐसे थोड़ी टाइम पड़ा है कि वो जाके शेड्यूल एरिया को चेक करेंगे। प्रेसिडेंट तो शेड्यूल मतलब उनको एक नोटिफिकेशन आएगा गवर्नर से और फिर वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि भाई अब इनको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, मान लो किसी पर्टिकुलर रीजन में डिक्लेयर कर दिया, अब आगे क्या,
अब क्या फायदा मिलेगा उनको? तो देखो भाई, अगर हमने एरिया को पहचान लिया है तो उनको एक्स्ट्रा फंड्स देंगे हम लोग, एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे उनको हम लोग। तो हेल्प किसकी फॉर्म में दी जाती है? टीएसी की फॉर्म में। टीएसी क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें 20 मेंबर की एक कमेटी बैठती है। सारे मेंबर्स को उस स्टेट के गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये टीएसी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी? गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर ने बनाया है उनको। अब ये गवर्नर किसको प्रेजेंट करेंगे? प्रेसिडेंट को, क्योंकि उनसे ऊपर भी है कोई। अब प्रेसिडेंट कहाँ लेके जाएंगे उसको? पार्लियामेंट। अब ये है सीक्वेंस जो आपके दिमाग में फिट करना है, छाप लो इसको, ठीक है ना? याद आ जाएगा सीक्वेंस, ठीक है? चलो ठीक है, थोड़ा मजे लेके पढ़ो, हो जाइए आराम से। पॉलिटी बहुत इजी है, मैं बता रही हूँ, बहुत इजी रहती है इसमें स्टेटमेंट्स, ठीक है? मतलब इजी ये मैं समझना कि मैं बहुत ज्यादा इजी बोल रही हूँ, बात यह कि सॉल्व हो जाती है, ठीक है? यूपीएससी ने थोड़ा कम कर दिया इसका पोर्शन आप पूछना, बट फिर भी क्वेश्चन इतने आते हैं कि आप सॉल्व करके अपना अच्छा खासा स्कोर बूस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो कोशिश ये करना कि जितना भी पढ़ रहे हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज कर लो, ताकि पॉलिटी का कितना भी क्वेश्चन आए सॉल्व हो जाए सारे, क्योंकि आपको पता है एंशियंट हिस्ट्री बड़ी डिफिकल्ट आने वाली है ना? ऐसा लग रहा ना, एक फीलिंग आ रही है वैसी वाली, ठीक है? मुझे भी वही फील आ रहा है कि एंशियंट हिस्ट्री आएगा डिफिकल्ट, ठीक है? और बहुत डीप पूछेंगे वो, तो इतना डीप पूछेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी भाई। तो कहीं तो स्कोर अच्छा बूस्ट कर लो अपना, तो ये स्कोर आप अच्छा बूस्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? तो ये टीएसी याद कर लेना। तो इसके कंडीशंस मैंने बता दी, कंडीशंस पे ईपीएफओ में क्वेश्चन आया था अभी, तो कंडीशंस ये याद कर लेना, और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है एक, ये भी याद कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में भाई आती है चार स्टेट्स। अभी जो है इसको ट्रिक के हिसाब से इसका फुल फॉर्म है अदर शेड्यूल्ड एरियाज। तो अदर शेड्यूल्ड एरियाज में चार शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं, और ये वाले जो चार शेड्यूल्ड एरियाज हैं कौन कौन से हैं सामने लिखे हुए हैं, जिनको लर्न हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं लर्न होता मैं बता देती हूँ एक ट्रिक। ATMM, A फॉर आसाम त्रिपुरा, ये चारों नॉर्थ ईस्ट है, मेघालय और मिजोरम। आपको क्या कंफ्यूजन हो सकती है? आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि इसमें एम से मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है कौन सा और कौन सा नहीं है, है ना? तो आप क्या करो, ये याद कर लो कि इसमें मणिपुर नहीं है, बचे हुए दो एम है। और अब ये कैसे याद रहेगा, तो उसके लिए भी ट्रिक समझ लो। कोई सिर पैर नहीं है इस ट्रिक का, ट्रिक्स ऐसी होती है, कोई सिर पैर नहीं होता उनका, बस ये कि बस अब लर्न करनी होती है। तो ATM, है ना, ATM में मनी नहीं, ATM में मनी नहीं है, मतलब कि ATM वाली ट्रिक में मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है, ठीक है? हो जाएगा। ये क्या हो गया, वो दुपट्टे से अटके ऐसा हो गया होगा ना, ठीक है ना? इतना साइज सही है। चलो भाई अब आगे देखेंगे इसके अंदर कि ये तो आप ऐसे याद कर लो, या एक और तरीका मैं बता देती हूँ लर्न करने का, वो ज्यादा जरा स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा पसंद आता है, वो है भाई ATMM के साथ साथ मातम। मातम की भी एक ट्रिक होती है, उससे भी याद कर लेना। पर बात यह है कि भाई मातम ठीक है, थोड़ा दुख हो रहा है ना, इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो वही एक मातम की ट्रिक भी लर्न कर लेना ऐसी, ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं अगले पे, ठीक है? ये हो गया यहाँ तक, याद हो जाएगी। अब इनको क्या खास फायदा मिलता है भाई, इनको अलग से लिख करके क्या बना दिया अलग से? देखो भाई, इसको अलग से दे करके बनाई गई है ADC, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है, जिसके तहत यहाँ पर इनका भी सेम काम गवर्नर देखते हैं। जैसे आसाम में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है बोडो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मेघालय में कौन सी है गारो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, खासी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इन सबके एडमिनिस्ट्रेशन सबका काम देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंसर्न्ड ADC देखती है। और रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? गवर्नर को। गवर्नर आगे कहाँ भेजता है? स्टेट असेंबली, मतलब स्टेट असेंबली के बाद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आगे पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं, ठीक है? तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा ये याद रख लेना, इन सब में बनी हुई है। जैसे मिजोरम में बनी हुई है ला चकमा, ये सब नाम से एक काउंसिल्स बनी हुई है। तो टोटल ये काउंसिल्स वगैरह के नाम जो बताए हैं, ये वहाँ के हिली रीजन के भी नाम है, ये वहाँ के ट्राइबल रीजन के भी नाम है, ठीक है भाई? हो जाएगा ये भी चीज। चलो पढ़ते हैं भाई अगले पे। ये हो गया ADC कंप्लीट। कल को मान लो इसमें कोई नया भी ऐड हो जाता है
तो नए ऐड करने के लिए भी यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट इसमें नई चीजों को ऐड कर सकता है। फिर आता है भाई सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? एफ एफ से मतलब क्या है यहाँ पर? फेडरल स्ट्रक्चर। देखो भाई एक चीज ये याद रखना, फेडरलिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। फेडरलिज्म एक ऐसा शब्द है जो हम यूज बहुत करते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, पहले नाम हुआ करते थे फेडरल, जैसे सुप्रीम कोर्ट का पहले नाम फेडरल कोर्ट हुआ करता था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था, बट अब आज के समय में कुछ भी नहीं, क्योंकि ये नाम ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया हुआ नाम हम क्यों रखें? हम तो सेंटर सुप्रीम ये रखेंगे, है ना भाई? सही बात है ना, इसमें कोई गलत भी नहीं है। ठीक है, तो सेवन शेड्यूल इसमें हमारी तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब आपको ये टॉपिक्स जो है इसमें क्या क्या आते हैं ये भी पढ़ के जाना होगा कि यूनियन में कौन कौन से टॉपिक है। गिव एन एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, जैसे कि पुलिस। पुलिस किसके अंडर आती है? स्टेट। इफ आई टॉक अबाउट डिफेंस, जिसकी तैयारी कर रहे हो, किसमें आएगा? यूनियन लिस्ट, है ना। कम्युनिकेशन, यूनियन लिस्ट। पोर्ट्स, शिपिंग, यूनियन लिस्ट। ओके, हेल्थ, हेल्थ एंड सैनिटेशन बहुत न्यूज में रहता है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन होते हैं, इट कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट। एग्जाम्पल, मैरिज। मैरिज एक ऐसा टॉपिक है जो कि कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होगा, दोनों लिस्ट में काउंट किया जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, जैसे कि फटाफट रिवाइज कर लो उनको, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, एंड एजुकेशन। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, अब उनको कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमारी ये तीन लिस्ट हैं, इन तीनों लिस्ट के नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों के वे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और लिस्ट होती है जिसका नाम है रेसिडुअरी लिस्ट। ठीक है, कौन सी लिस्ट है? रेसिडुअरी, लिख देती हूँ मैं इधर ही। ठीक है भाई, अब ये रेसिडुअरी लिस्ट जो है ना, इसका क्या है कि रेसिडुअरी लिस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इसमें रूल बनाने का अधिकार किसके पास है? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मेक द रूल्स ऑन रेसिडुअरी लिस्ट। तो रेसिडुअरी लिस्ट पे रूल बना सकती है पार्लियामेंट हमारी। ठीक है ना, ये सब फैक्ट्स आप लोगों को इसमें लर्न करने हैं। ये थे हमारे शेड्यूल्स के पूरे टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे शेड्यूल में 8th शेड्यूल, लैंग्वेजेस। टोटल कितनी है? 14 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, 22 हो गई। 14 ओरिजिनली थी, एक कौन सी थी? सिंधी ऐड हुई है। तीन कौन सी ऐड हुई है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। चार कौन सी ऐड हुई है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इनका अमेंडमेंट एक्ट कौन कौन सा है? सिंधी कौन सी अमेंडमेंट से? 21st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये थर्ड जो है, तीन एक साथ जो ऐड हुई है, ये 72nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 71st अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट से, ये चारों। तो ये चारों भी आपको पता होनी चाहिए, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस भले ही हमारी 22 है, लेकिन हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है? 6। 6 हमारी क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज। ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है भाई, इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। ऐसे ही हमारे पास जो है अब 9th शेड्यूल आएगा। 9th शेड्यूल का टॉपिक कौन सा है? लैंड रिफॉर्म्स। अब देखो भाई, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर जो जमींदारी सिस्टम पहले एग्जिस्ट करता था, कि पहले जो है सबसे नीचे की तरफ जो फार्मर्स होंगे, फार्मर्स के ऊपर जमींदार, वो उनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, और फिर जो फार्मर्स होंगे जमींदार को टैक्स देके, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। पढ़ा ना जमींदारी सिस्टम, रियोटवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। तो उसमें क्या होता था, ये अब अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये था 9th शेड्यूल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ऐड किया गया। ऐसे ही आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जिसमें कि हमारी किसकी बात की गई है? डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, और ये टॉपिक है डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ट्रिक के हिसाब से ये डिफेक्शन लॉ है, बट असल में इसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत ऐड किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कई बार पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग में। और ये चीज याद रखिएगा, कभी भी
टेंथ शेड्यूल पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। असल में हुआ क्या था कि एक जैसे आपको पता है कि पंजाब से हरियाणा सेपरेट हुआ था। कब हुआ था सेपरेशन? 1966 में पंजाब स्टेट से हरियाणा को साइड किया गया, मतलब कि आप कह लो कि हरियाणवी स्पीकिंग पीपल को उससे अलग किया गया। तो हुआ क्या, जब हरियाणा नई बनी तो उसमें नए इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। तो नए इलेक्शंस करवाने के लिए वहां पे एमपी, वहां पे जो एमएलए होंगे वो उनके इलेक्शंस कराए जाएंगे। तो वो जो एमएलए थे ना उस जगह पर, वो एमएलएज में एक एमएलए थे गयालाल। वो गयालाल का कुछ ऐसा हिसाब था कि उस पर्सन ने एक दिन में तीन पार्टी चेंज कर ली, कांग्रेस, जनता पार्टी, कांग्रेस, एक दिन में, कुछ कुछ घंटों में पार्टी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो फिर वही वही बात हो गई, आयाराम गयाराम। तो आयाराम गयाराम को प्रिवेंट करने के लिए जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी चीज को लागू किया गया था। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? उसके बाद आता है 11th शेड्यूल, जो कि हमारे किस टॉपिक पे बात करता है, पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायत से खूब क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ये पंचायत है इसके लिए मैंने एक अलग से पूरा प्रिपेयर किया है। आप उस लोगों आप इसको जो है पंचायत को अलग से पढ़ेंगे कि पंचायत क्या चीज है। देखो भाई, पंचायत जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रेजेंट तो था नहीं। पंचायत को ऐड किया गया है 73rd Amendment Act 1992 के तहत, बाद में ऐड किया गया, और ये सिस्टम आज के समय में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट है। पर पंचायत का सिस्टम मैं आपको पूरा यहाँ पे हिस्ट्री लेके चलूँ इसकी, क्योंकि पंचायत से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो भाई, ये आप लोगों को याद रखना है, अगर पंचायत की पूरी हम हिस्ट्री की बात करें तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने इसके लिए आर्टिकल 40 की डीपीएसपी में ऐड करवाया था। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सी कमीशन आई हैं, जैसे कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें भी यहाँ पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको बात किया गया। ऐसे ही जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर कई बार बात करी है। तो इस तरीके से जो है ये इस तरीके से इवोल्यूशन होता है। लेकिन पंचायत से जुड़ी हुई अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड की बात करूं, तो पंचायत जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में कैसे इवॉल्व हुई, तो देखो भाई, सबसे पहले पंचायत से जुड़ी हुई आती हैं 6 कमेटीज। कौन कौन सी 6 कमेटीज हैं, जिनके नाम आप कैसे याद रखेंगे? BAGSTG। ये हैं हमारी 6 कमेटीज जो कि पंचायत से जुड़ी हुई हैं। आप इसको कैसे लर्न करोगे? बैक्स टीजी। कोई सेंस नहीं है ट्रिक का, कोई मतलब नहीं है ट्रिक का, लर्न करनी है बस, कोई ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बी से बलवंत राय मेहता, ए से अशोक मेहता, जी से जीवीके राव, एल से एलएम सिंघवी, मतलब ये सिंघवी करके याद कर लेना, टी से थंगन, जी से गडगे। ठीक है, बलवंत राय मेहता जो है पर्सन, इनको असल में एक प्रोग्राम था जिसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम, जो कि इटावा प्रोजेक्ट एल्बर्ट मेयर द्वारा तैयार किया गया था। अब हुआ क्या कि इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो है वो एक एमपी थे और आगे चल के गुजरात के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता को ये बोला गया कि आपने इस प्रोग्राम को रिव्यू करना है। तो उन्होंने इस प्रोग्राम को रिव्यू करने के बाद जब इनकी कमेटी की रिकमेंडेशन आई, तब इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम पंचायत जो है वो 3 लेवल की बनाने वाले हैं, 3-tier government एस्टैब्लिश करेंगे, 3 लेवल पे बनाएंगे। कौन कौन सा? सबसे नीचे ग्राम सभा, पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला परिषद। ठीक है, लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लर्न करना है कि भाई इस तरीके से सिस्टम बनाया था, और इन्होंने ये बोला था कि भाई जो भी इलेक्शंस होंगे पंचायत में, जो ग्राम सभा है वहां पे हम इलेक्शन कराएंगे, डायरेक्टली इलेक्शन होंगे, मतलब कि इलेक्शन का जो सिस्टम होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब लोग जो है सरपंच, प्रधान, और भी बहुत सारे नाम जाने जाते हैं, सरपंच और प्रधान तो मुझे याद आ रहा है, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो वो जो है यहाँ पर पंचायत के रहेंगे। अब ऐसे ही जो पंचायत समिति और जिला परिषद होंगे उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस हम करवाएंगे, पावर का ट्रांसफर करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हुए, सेंट्रलाइज ना होते हुए पावर को डी, मतलब कि सेंटर से पावर को हटा करके डेमोक्रेसी प्रमोट करते हुए 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होगा। सेंटर स्टेट में तो ऑलरेडी है फेडरल स्ट्रक्चर, है ना, 7th शेड्यूल, लेकिन जो आप कह लो कि सेंट्रलाइजेशन से पावर को रिमूव कर दिया जाएगा, बेसिक बात है, पंचायत में भी ट्रांसफर की जाएगी। इन्होंने बोला कि चेयरमैन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रखेंगे, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने किस पे फोकस किया था, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे फोकस करते हुए बात कही थी। क्वेश्चन आता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी फोकस्ड अपॉन ब्यूरोक्रेसी, यस,
फ्लेक्सिबल था, यस ठीक है, तो इनके बेस पर जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी उसके बेस पर यहाँ पर रिजिड ना होते हुए राजस्थान के 1959 में नागौर में पहली पंचायत क्रिएट की गई। कौन सी डेट को की गई भाई? 2 अक्टूबर। सब समझ सकते हैं क्यों की गई 2 अक्टूबर को। उसके बाद 9 दिनों बाद ही आंध्र प्रदेश के शादनगर में जो है नेक्स्ट पंचायत को क्रिएट कर लिया गया, ठीक है भाई। इस तरीके से फर्स्ट कमेटी ओवर होती है, लेकिन सेकंड कमेटी फिर से बनाई जाती है क्योंकि पंचायत के जुड़े हुए मामलों को और देखना था। और इस बार जो है यहाँ पर एक अलग गवर्नमेंट आती है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। अभी तक हमारे यहाँ पर कितनी गवर्नमेंट्स थी? सब कांग्रेस। पहले आए जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर देन गुलजारीलाल नंदा, देन इंदिरा गांधी। नाउ कौन आएंगे? नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, जनता पार्टी के मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने अशोक मेहता कमेटी बनाई, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन अभी यूपीपीसीएस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट है यही दो कमेटी। अगर आप इन दो कमेटी को भी अच्छे से पढ़ के चले जाते हो, वेल एंड गुड। अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने क्या बोला? अब देखो भाई, सेम बात तो बोल नहीं सकते कि 3-3, वहां वाला भी 3 था, यहाँ भी 3 था, सेम बोल गया तो डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला 3 टीयर को रिप्लेस कर दो 2 टीयर से, और 2 टीयर में क्या क्या रखो यहाँ पर? जिला परिषद और मंडल पंचायत, ठीक है। जिला परिषद और मंडल पंचायत पॉपुलेशन में आप ये देख सकते हो। इन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट को मेन रखो, पॉलिटिकल पार्टी का जो है रिप्रेजेंटेशन दो, टैक्सेशन सिस्टम रखो, न्याय पंचायत बनाओ, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करो, और साथ ही साथ हर स्टेट में पंचायती राज का एक अलग से मिनिस्टर बना के रिजर्वेशन भी दो। रिजर्वेशन की बात इन्होंने SC ST के लिए पॉपुलेशन के बेस पे बोली थी, और कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन में भी पंचायत को लिखने का एक प्रोविजन ऐड करो। ये सब बातें इन्होंने कह दी, ठीक है। अब अशोक मेहता ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी। अब इसके बेसिस पर जो है किसने यहाँ पर, इस सेम चीजों के बेसिस पर आप यहाँ पढ़ोगे कि यहाँ पर अलग से वेस्ट बंगाल और कर्नाटका ने इनके बेसिस पे 2 टीयर सिस्टम लागू कर लिया। मतलब कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश 3 टीयर, 2 टीयर डिसबैलेंस है ना, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस होने लगा। जब तक ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी जाएगी, डिसबैलेंस बहुत रहेगा। डिसबैलेंस आज भी है, ठीक है, लेकिन ये चीज इम्प्रूव भी की जा सकती है। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है और कमिटीज आएंगी, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ आप लोगों को याद करने का। आप लोग इसको, मतलब इस बात का कोई सेंस नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, बस लर्न करना है क्योंकि एग्जाम में आता है। कई बार बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, क्योंकि दोनों के नाम पे मेहता मेहता आ रहा है, तो यार ये 3 टीयर किसने कहा था और 2 टीयर किसने कहा था, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। छोटी सी ट्रिक है, सेंस नहीं है, पहली बता रही हूँ, कोई सेंस नहीं है इस बात का। सिर्फ याद करना है, बलवंत राय मेहता में कितने शब्द आ रहे हैं? 3। बलवंत राय मेहता 3 शब्द, 3 टीयर। अशोक मेहता 2 शब्द, अशोक मेहता कितने टीयर? 2 टीयर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई बलवंत राय मेहता के नाम में 3 शब्द आते, सुनने इसलिए सोचा कि भाई मेरे नाम में 3 शब्द आते तो मैं 3 टीयर करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं अपना तरीका बता रही हूँ क्योंकि याद रखना आसान हो जाता है। चलो अगले पे आएंगे भाई, GVK राव के ऊपर। GVK राव जो कमेटी है, ये भी इन्होंने, इनकी कमेटी का नाम आप पूरा पढ़ सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के नाम से आई थी, जिन्होंने जिला परिषद की बात करी। इन्होंने कहा DDC एक पोस्ट बना दो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि काम देखेगी। इलेक्शंस करवाने हैं रेगुलर। रेगुलर कितने सालों में होते हैं? 5 सालों में इलेक्शंस करवाओ। ये बात GVK राव ने बोली। अभी तक तो सवाल नहीं आया है, आने को आ भी सकता है, फिलहाल तो नहीं आया है कोई क्वेश्चन। ऐसे ही LM सिंघवी आए। LM सिंघवी भाई क्यों याद रखने हैं? पूरी पॉलिटी में LM सिंघवी को आप लोगों को किन चीजों के लिए याद रखना है तो समझिए, LM सिंघवी को आपको पूरी पॉलिटी में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने एक तो पंचायत के ऊपर बात कही थी, दूसरा लक्ष्मी माल सिंघवी, LM सिंघवी, इन्होंने एक शब्द की उत्पत्ति कराई थी। ही इज क्रेडिटेड टू हैव द ओरिजिनेशन ऑफ वन वर्ड, दैट इज लोकपाल। लोकपाल वर्ड ओरिजिनेट किसने करवाया था? ठीक है भाई, LM सिंघवी। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ऑम्बड्समैन कहते हैं, हिंदी में लोकपाल कहते हैं, ठीक है।
तो एलएम सिंघवी ने भी सेम बातें बोली, न्याय पंचायत बनाओ, ग्राम सभा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बनाओ, वही न्याय पंचायत जैसे बनाओ। और इन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है, वो है ग्रास विदाउट रूट्स। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन्होंने बोला कि भाई ब्यूरोक्रेसी को मत दो चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह मत दो उनको, क्योंकि अगर ये ब्यूरोक्रेटाइज हो गए तो कल को तो भाई ये फिर बिल्कुल ग्रास विदाउट रूट हो जाएंगे, क्या ही फायदा है इनका, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट आती है ऐसे थंगन, बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही रेयर आते हैं, तो ये भी इनके स्ट्रक्चर से आप पढ़ लो, 5 साल का टेन्योर, ये सब चीजें इन्होंने अपनी अपनी बात कही। और फिर फाइनली लास्ट में आती है गडगिल कमेटी, सबका मिक्सचर करके बना दी जाती है। इन्होंने भी यही बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो 3 टियर दो, 5 सालों का टेन्योर होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे, SC ST वुमेन का पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दो, और स्टेट फाइनेंस कमीशन टैक्सेस डिवाइड करेगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कराएगी। और इसके बेसिस पर फाइनली जो है कौन सा अमेंडमेंट एक्ट पास होता है, पहले 72nd वाला और फाइनली 73rd वाला अमेंडमेंट एक्ट पास होता है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1992 में पास होता है, लेकिन इफेक्ट में आता है 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल को हम सभी लोग क्या मनाते हैं, नेशनल पंचायत डे। इस दिन क्या मनाया जाता है, नेशनल पंचायत दिन मनाया जाता है, ठीक है? तो ये नेशनल पंचायत डे मना करके ऐसा ऐसा आप याद रखिएगा, 24 अप्रैल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, 24 अप्रैल और क्यों जरूरी है? देखो, एक तो जो है क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे आता है, ठीक है, एक तो वो चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पंचायत डे के साथ साथ इस दिन केशवानंद भारती केस का भी रिजल्ट आया था, और वो रिजल्ट आया था 24 अप्रैल 1973 में, और 1973 को आज 2023 में 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो चांस है इस बार की केशवानंद भारती केस से भी क्वेश्चन आएगा। और एक चीज, हमारा जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी अप्रैल में लॉन्च हुआ था, जिसको अब अप्रैल 2023 में 50 साल कंप्लीट हो चुकी है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बढ़ते हैं भाई आगे। ऐसे ही फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को पास करके ऐड करवाया गया, और इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, PV नरसिम्हा राव, ठीक है? तो उनके परमिशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ऐड हुआ, 11th शेड्यूल, जिसको हम पढ़ रहे थे शेड्यूल्स के टॉपिक में, जिसके अंदर कितने आइटम्स हैं, 29, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243O तक पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स हमसे पूछे जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट गेव प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40, मतलब कि आर्टिकल 40 की लिखी बात PPSP को इम्प्लीमेंट करवा दिया गया है, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप ये पूरा। और इसके कुछ आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले लिखे हैं, क्योंकि UPSC पूछती है आजकल। आर्टिकल 243A में ग्राम सभा का जिक्र है, जिसमें 3-tier सिस्टम, पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद 243A के बाद 243D आपको पढ़ना है, जो कि रिजर्वेशन की बात करता है। रिजर्वेशन SC ST और विमेन के लिए बोला गया है, विमेन के लिए 1/3 होनी चाहिए, SC ST के लिए उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि SC और ST पूरे भारत में एक समान नहीं है, कहीं पर SC ज्यादा है कहीं पर कम है। जैसे SC जो है मैक्सिमम कहाँ पे है, UP में, ST कहाँ है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो पॉपुलेशन डिसबैलेंस पे है। और ST की बात करें तो ST पंजाब में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से हर जगह पर डिविजन सही नहीं है, पूरा इक्वल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये आप पढ़ सकते हो, 243E में 5 सालों के लिए बोला गया है कि 5 ईयर का टेन्योर रहेगा। ऐसी 243F में डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, और ये बोला मतलब 21 सालों की एज रखी गई है। उसके बाद 243 जो के है, 243K में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं हुआ, आप लोग देख लेना, अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन का एग्जिस्टेंस हुआ था 243K में, क्योंकि इस पूरे में जरूरी था 243K में ऐड करना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया की, वो ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्शंस कंडक्ट कराती है, अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, और साथ ही साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी एस्टैब्लिशमेंट इसीलिए किया गया था, ताकि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करवाया जा सके, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है इसके अंदर।
ये है, यहाँ पे है 243K, जिसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पे बनाई जाएगी जो कि पूरा यहाँ पर काम देखेगी, ठीक है। 243K में इलेक्शंस होंगे और 243I में फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों के लिए जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, गवर्नर। गवर्नर सारा काम देखेंगे, ठीक है। गवर्नर की रिपोर्ट वगैरह सब गवर्नर्स देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कुछ फाइनेंसिस के तरीके हैं, कहाँ कहाँ से सरकार जो है पंचायत को पैसा फंड जो है उसकी एलोकेशन की जाती है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पंचायत है उसमें कौन कौन से एरियाज एग्जेम्प्टेड है, कहाँ पे ये रूल लागू नहीं होते हैं। तो देखो भाई कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होते, हिली एरियाज कौन से, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जहाँ पे ऑलरेडी है, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, आधों को तो यही कंफ्यूजन होते हैं दार्जिलिंग है कहाँ पर, आधे लोग तो ये सोचते हैं कि दार्जिलिंग सिक्किम में है, दार्जिलिंग सिक्किम में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। दार्जिलिंग हो गया जहाँ पे दार्जिलिंग गोरखा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो ये कुछ एरियाज हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं होती, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज में भी, मिजोरम में भी, मेघालय, नागालैंड में भी। लेकिन आज के समय में एक नया एक्ट पास हुआ था, पीसा एक्ट। पीसा के फुल फॉर्म क्या है, पीसा के फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। 1996 में हमारी पार्लियामेंट ने इसके लिए एक अलग से एक्ट पास किया है, और ये एक्ट ये कहता है कि जो पीसा एक्ट में ये कहता है कि भाई सबको यहाँ पर ये जो शेड्यूल्ड एरियाज है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ वाले, वहाँ पे भी इनको इंक्लूड करवाना है, ठीक है, समझे बात को। तो इस तरीके से ये आपका जो है ये एक पंचायत का पूरा टॉपिक है, पंचायत के इससे जुड़े हुए कई बार इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, जैसे कि ये है 2020 में पूछा गया, इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हैं जो पंचायत से जुड़े हुए हैं। वन ऑफ देम इज, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, अशोक मेहता, जैसे ये आया था 2018 में, अशोक मेहता कमेटी का क्या रिकमेंडेशन है, किससे जुड़े हुए, सबसे सिंपल सीधा पंचायती राज, राइट। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको आंसर पता चल गया छोड़ दोगे भाई, बाकी ऑप्शन भी देख लो, ठीक है। नॉलेज जितनी मिल रही है उतनी कम लगती है भाई, नॉलेज पूरी गेन करो इसमें। तो देखो जो ये है डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कौन डिवाइड करता है टैक्सेस को सेंटर और स्टेट के बीच में, ये डिवीजन करने की जिम्मेदारी होती है फाइनेंस कमीशन की। तो अगर ऊपर फाइनेंस कमीशन पूछता ना तब ये आंसर लगाना होता, अभी क्या हो जाएगा आंसर पंचायत, लेकिन इस सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 के तहत किया जाता है, ठीक है। ओके तो फाइनेंस कमीशन भी वैसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है भाई अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर के अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई सरकारिया कमीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन का नाम बता रही हूँ। प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कभी भी डिस्प्यूट होता है वो सॉल्यूशन देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने, मैंने ऑप्शन को एलैबोरेट किया है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन भी है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है तो इसमें भी आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, मेंबर्स ऑफ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा, ठीक है, जो पंचायत के ग्राम सभा से चुने जाते हैं, इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे गलत लाइन दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायत की जितनी भी फर्स्ट मीटिंग से जो उनका शुरू होता है तब से लेकर के 5 सालों तक कंटिन्यू की जाती है। नेक्स्ट जो प्रोविजन है पीसा का, है ना, पीसा अभी बताया उसका क्या मतलब है, यहाँ पर वो क्या यहाँ पे लेकर के आती है, वो इस पूरे एरिया को, शेड्यूल्ड एरिया को पंचायत के कंट्रोल में लेकर के आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है इसका आंसर, दोनों में थोड़ा सा डाइसी सा है ये। अगला, ये तो बहुत इजी है, लोकल सेल गवर्नमेंट को आप बेस्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा कि पंचायत इससे जो है क्या क्या चीजों को यहाँ पर कंप्लीट कर पा रही है, पंचायत ये हमारी क्या क्या चीजें हमें दे रही है, आप ये भी पढ़िएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, आप सभी लोगों को ये सारी चीजों को कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। ऐसे ही ये एक है पूरी स्क्रीन, मैं साइड हो रही हूँ यहाँ से, आप लोग देख लीजिए। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमसे पूछ लिए जाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से जो आप सामने नाम देख रहे हो ये कहाँ से क्या क्या चीजों को बोरो किया है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
इसको एग्जाम से पहले रिवीजन करने में बहुत काम आएगा, सोर्सेज भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये भी आप जरा इसके लिए पढ़ के जाइएगा। उसी तरीके से अब जो है हम यहाँ पर इसके आगे, अब हमारे प्रीएम्बल शेड्यूल सोर्सेस कंप्लीट हो गए, अब हम यहाँ पे देखेंगे इवन पंचायत ऑल्सो कंप्लीटेड, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द आर्टिकल्स, ठीक है? अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से सबसे फर्स्ट पार्ट जो है मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, जो कि हम आर्टिकल नंबर 1 से 4 की बात करता है। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है हम लोगों को कि इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसी के लिए मैं एक लाइन लिखने जा रही हूँ, उसको आपको समझना है कि ये भी लाइन इसी स्टेटमेंट में ट्रू है। कौन सी लाइन है ये वाली, देखेंगे। देखो यार मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है? इसमें अच्छी नहीं आ रही, ठीक है? समझने की कोशिश करना, मेरी राइटिंग सच में बहुत अच्छी है, यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं आ पा रही क्योंकि वो लिखने में वैसा हो जाता है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है यूनियन, लेकिन स्टेट्स उसकी कैसी हैं? डिस्ट्रक्टिबल, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें हमारी जो स्टेट्स होती हैं वो डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं। वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स, राइट? राइट, स्टार्ट करो आप लोग बिल्कुल उस टाइम पीरियड से, लक्ष्मीकांत बुक में पढ़ो, रिवाइज करो, हमें पढ़ा हुआ आप लोगों ने ये, कि जो सबसे पहली बार जब ये डिस्ट्रक्टिबल स्टार्ट हुई थी, इससे जुड़ा हुआ हमारी 3 कमीशंस आती हैं। 3 कमीशंस थी जो राज्य पुनर्गठन, स्टेट्स के रिओर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। एक तो आती है धार, ठीक है? जब इंडिया डिवाइड हुआ उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा डिवीजन तैयार किया था, उसके बेसिस पर यहाँ पर डिवीजन में सबसे पहली धार कमीशन बनाई थी 1948 में। धार में 2 मेंबर्स और भी थे जो कि हाई कोर्ट जज के जज रिटायर्ड थे, तो यहाँ पर उन्होंने भी ये चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि किस तरीके से जो है हम लोग, धार कमीशन ने बताया कि हम लोग कैसे अपनी स्टेट्स को डिवाइड कर सकते हैं, लैंग्वेज के बेस पे या एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे, ठीक है? तो आप लोगों को क्या याद रखना है, धार कमीशन के अकॉर्डिंग किसके बेसिस पे रिकमेंडेशन कर दिया गया? धार कमीशन के अकॉर्डिंग जो डिवीजन किया गया था वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे किया था, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? उसके बाद धार कमीशन हुआ, लेकिन जो आंध्र प्रदेश था साउथ, वहां पे तो रिवोल्ट थम नहीं रहा था, वहां पे प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे साउथ इंडिया में, तो उसके बिहाफ पर एक नई और कमीशन बनती है, जिसका नाम क्या है धार कमीशन के बाद? सेकंड कौन सी बनती है? JVP कमीशन। J स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, V स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल, एंड P से फिर दोबारा पटेल मत बोल देना, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्टूडेंट्स करते हैं ऐसी चीजें, वो मत करना। P स्टैंड्स हेयर फॉर पट्टाभि सीतारामया, याद है मैंने बताया था भोगराज पट्टाभि सीतारामया, ये वही है, ठीक है? तो इनका ये वाला कॉन्ट्रीब्यूशन भी याद रखना। तो पट्टाभि सीतारामया जो है उन्होंने JVP कमीशन यहाँ पे बनाई थी, और इस JVP कमीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने भी यही चीज बोली थी कि हम लोग लैंग्वेज के बेस पे नहीं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे रखेंगे। पर जब जब आंध्र प्रदेश के अंदर पोटी श्री रामालू थे, उन्होंने 56 डेज का फास्ट रखा, और अल्टीमेटली जब उनकी डेथ हो जाती है तब ये डिसाइड किया जाता है कि क्या करेंगे अब। यहाँ पर आंध्र प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म ऑन दी लिंग्विस्टिक बेसिस, 1953, क्लियर? तो इस तरीके से 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या फॉर्मेशन हो जाती है, किसकी? आंध्र प्रदेश की। और फिर जब एक एक स्टेट बन गई तो बाकी स्टेट्स भी डिमांड करेंगे कि भाई मराठी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी अलग करो सबको, है ना? ऐसा हो जाता है। तो हुआ यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से, इनको देखने के लिए फिर एक कमीशन अपॉइंट की जाती है जिसका नाम है फजल अली कमीशन। फजल अली ये भी एक जस्टिस थे, इनके साथ 2 मेंबर और थे, 3 मेंबर कमीशन थी, हेड फजल अली थे, 2 लोग और थे। कौन से 2 लोग थे? 2 लोग थे भाई, एक तो थे HN कुंजरू, ठीक है, एक KM पानीकर और एक HN कुंजरू। 2 पर्सन के आपको और ये नाम याद रखने हैं, ठीक है भाई? तो ये भी पूछा जाता है और कौन कौन से मेंबर्स थे। तो मुझे पता है बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत सारे नाम है, पजल पजल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। फजल अली कमीशन को यहाँ पर बना दिया गया, तो फजल अली कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस के बेसिस पर यहाँ पर स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास होता है और उस बेसिस पे हमारी स्टेट्स डिवाइड होती जाती हैं। जैसे कि सबसे पहली स्टेट इस बेसिस पे जो डिवाइड होती है दैट इज इन 1960 महाराष्ट्र और गुजरात, मराठी एंड गुजराती बोलने वाली। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो जो ऑलरेडी बॉम्बे थी, बॉम्बे का डिवीजन हो जाता है, बॉम्बे बन जाती है महाराष्ट्र और देन बन जाती है गुजरात। तो ऐसे करके 1960 में डिवीजन करवा दिया जाता है। ऐसे ही 1963 में जो है आसाम से नागालैंड सेपरेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आसाम की गवर्नमेंट एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास कर रही थी आसाम में, जिसमें आसामीज लैंग्वेज सबके लिए कंपलसरी हो रही थी। दैट मींस अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, आसामीज विल बी द लैंग्वेज। तो क्या हुआ, वहाँ के नागा पीपल को लाइक दे आर लूजिंग देयर लैंग्वेज, दे आर लूजिंग देयर आइडेंटिटी। सो उस बेसिस पे क्या किया गया, यहाँ पर 1963 में नागालैंड सेपरेट हो जाता है आसाम से। क्लियर हुआ? ऐसे ही डिविजन्स और होती जाएंगी बीच में। 1961 भी था, गोवा का सेपरेशन भी होता है, गोवा भी यहाँ पर अलग जो है वो सेपरेट हो जाता है। गोवा सेपरेट नहीं होता, बेसिकली वो हमारा ही पार्ट था, पोर्चुगीज छोड़ के नहीं जा रहे थे। तो ब्रिटिश, सॉरी आप ब्रिटिश नहीं है, पोर्चुगीज, पोर्चुगीज से जो है अपने आप इंडिया से निकलवाने के लिए पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू केम इन इंडिया एंड लास्ट वन टू गो, गोवा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी ऑपरेशन विजय परफॉर्म करती है और 36 घंटों के अंदर अंदर 19 दिसंबर 1961 को गोवा को अपने अंडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो 1963 भी हो गया, 1961 हो गया। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं 1972 में। ठीक है, आसाम से सेपरेशन हुई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। उसके बाद 1975, अब देखो भाई 1975 में ये क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट है, वो है सिक्किम। सिक्किम जो है ना, यहाँ पर सिक्किम पहले एक एसोसिएट स्टेट बनता है। ठीक है, सिक्किम पहले एसोसिएट स्टेट बनेगा। अमेंडमेंट एक्ट था 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974। उसके बाद सॉरी, कई बार हो जाता है ज्यादा, ठीक है चलो कोई ना। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 में सिक्किम जो है वो एसोसिएट स्टेट बनता है। ठीक है, एसोसिएट लेकिन फुल फ्लेज स्टेट नहीं बनता। अब 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 जहां लिखा होगा वहां पे आपको याद रखना है कि 36th अमेंडमेंट एक्ट में जो है ये क्या बनाया जाता है, फुल फ्लेज स्टेट के रूप में ये बनाया जाता है। ठीक है, फुल फ्लेज स्टेट बन जाएगा। तो ये सब फैक्ट्स हैं जो मैं बता रही हूँ, याद रखना। 1987 में गोवा, पहले गोवा 1961 में क्या बनता है, यूनियन टेरिटरी। फिर गोवा क्या बन जाता है, स्टेट। और उसके बाद फिर जब ये स्टेट बनी जाता है, उसके बाद गोवा 1987 में स्टेट बनने के बाद आज तक स्टेट ही है। 1987 में गोवा में भी रेफरेंडम हुआ था कि कोंकनी, कोंकन पीपल है ना, मिक्स कर देते हैं महाराष्ट्र में, बट पीपल वोटेड अगेंस्ट, वो इसके फेवर में वोट नहीं करते। ठीक है, उसके बाद सीधा आता है 2000 ईयर। 2000 का जो ईयर है इसमें तीन चीजें एक साथ होती हैं। 1 नवंबर, 8 या फिर कई बार 9 भी जगह पे आपको मिलेगा, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ सेपरेट होता है मध्य प्रदेश से, ये फिर उत्तराखंड सेपरेट होता है यूपी से, 15 झारखंड सेपरेट होता है बिहार से ऑन द बर्थ डेट ऑफ बिरसा मुंडा। ओके, मुंडा रेबिलियन पढ़ा है ना सब लोगों ने, पढ़ के जाना, मुंडा रेबिलियन, संथाल रेबिलियन, हो रेबिलियन, रैंपा रेबिलियन, बड़े न्यूज में है अभी, करंट अफेयर बता रही हूँ, CAPF, CDS, NDA, जो भी एग्जाम आ रहे हैं ना अभी अपकमिंग, अभी करंट अफेयर में चल रहे हैं, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, हो रेबिलियन के पीपल, दे आर इन न्यूज नाउ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा इनको। चलिए, तो ये था आपका स्टेट का रिओर्गेनाइजेशन। आपकी स्टेट रिओर्गेनाइजेशन से मैंने अभी तक आपको तीन कमीशन बताई हैं, धार, JVP, फजल अली, राइट। तो आपको क्या याद रखना है, मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, जैसे मैंने पंचायत को याद रखने की ट्रिक बताई, बैक स्टीज जिसका कोई सेंस नहीं था, इसका भी कोई सेंस नहीं है, ऑलमोस्ट मेरी ट्रिक्स में कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि ट्रिक्स होती हैं इसलिए कि बस याद रह जाए, सेंस तो क्या ही लगाना उसमें, है ना। तो वो है जैसे DJ ब्रावो है, ये DJ फैजल है, ठीक है,
डी फॉर धार, जे फॉर ब्रा, जे फॉर जेवीपी एंड एफ से फजल अली। ठीक है, तो डी जे फजल जो है यहाँ पर आप डी जे फजल के रूप में याद करना, कि ये तीनों स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमिटी से जुड़ी हुई कमिटीज के नाम है। ठीक है, ठीक है भाई, आर्टिकल वन में ये सब याद रखिएगा। आर्टिकल टू कहता है कि कभी भी किसी भी स्टेट को इंडिया में इंक्लूड करना है जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है, उसके लिए हु हैज अ राइट टू डू दैट, वो हमारे पास पार्लियामेंट के पास अधिकार है वो काम को करने का। सेम ऐसे ही जो आर्टिकल थ्री है वो कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ पास करके क्या चीज कर सकती है, पार्लियामेंट लॉ पास करके किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसको इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, जो है किसी भी एरिया को मर्ज कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है, और ये सारे काम इवन चेंज भी कर सकती है नाम। लेकिन ये सारे काम वो कौन कर सकता है, ये सारी चीजें वो किसी स्टेट की कर सकती है जो कि ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट होती है। एग्जिस्टिंग स्टेट का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी हमारी स्टेट है उनके लिए ये काम किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग है जो। ठीक है, न्यूली के लिए तो आर्टिकल टू था, आर्टिकल टू और थ्री में डिफरेंस ही यही है, टू में न्यू ऐड हो रहे हैं जो हमारा पार्ट नहीं है, जैसे सिक्किम, सिक्किम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, उसको रेफरेंडम के थ्रू ऐड कराया गया। सेम एज दैट वे एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए भी ये चीज होती है, और इसके खूब एग्जांपल है हमारे पास, चेंज नेम, लेट मी आस्क, ठीक है आप लोग बताओ, ठीक है भाई, अलाहाबाद का नाम चेंज हुआ, गुड़गांव का नाम चेंज हुआ, होशंगाबाद, औरंगाबाद नाम चेंज हुआ है ना, लेकिन इन चारों में कॉमन बात क्या है, ये सिटीज हैं, ये स्टेट नहीं है। ये चीज याद रखना भाई, कोई भी सिटीज होंगी उनके नाम पार्लियामेंट चेंज नहीं करेगी, सिटीज के नाम चेंज करने की जिम्मेदारी वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की है, विधानसभा की है, जबकि स्टेट का नाम चेंज करना है वो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। समझे डिफरेंस? ठीक है, जैसे ओडिशा का ओडिशा स्पेलिंग चेंज होगी ना, ओडिशा से ओडिशा, तो द नेम हैज बीन चेंज नाउ, द स्पेलिंग हैज बीन चेंज। उत्तरांचल से उत्तराखंड, हु हैज डन दैट, पार्लियामेंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट औरंगाबाद, औरंगाबाद का संभाजी नगर, हु हैज डन दैट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट, राइट। सेम एज दैट वे इफ आई टॉक अबाउट होशंगाबाद, होशंगाबाद इज इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद का नाम चेंज होके क्या रख दिया गया, नर्मदापुरम, नर्मदा रिवर फ्लो करती है वहां से, तो वो नाम जो चेंज हुआ वो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने चेंज किया। तो गुड़गांव का नाम गुड़गांव के हरियाणा गवर्नमेंट ने किया। तो ये जो नाम चेंजिंग करने का डिसीजन है, जैसे राजस्थान में, राजस्थान में अभी 50 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, पहले नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट की डिविजन बढ़ा दी गई, वो कौन करेगा, वहां के सीएम अशोक गहलोत करेंगे, तो उस स्टेट की सरकार करती है। ठीक है, लेकिन हमारे इस आर्टिकल में स्टेट का नाम है, अगर स्टेट का ही नाम चेंज कर देना है, स्टेट को मर्ज करना है, मर्ज के तो हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है, दमन दीव दादर नागर हवेली 26 जनवरी 2020। स्प्लिटिंग के हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, स्प्लिटिंग के तो एग्जाम्पल ही भरे हुए हैं, मैंने अभी सारे बताए ना कि झारखंड से सेपरेट हुआ, बहुत सारे बता दिए, तो वो सब ठीक है ना। आर्टिकल थ्री, आर्टिकल फोर कहता है भाई कि जितने भी आप कोई नई स्टेट बनाने में चेंजेस करते हो, आपको फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में जाके सारे चेंजेस को लिखना पड़ेगा, आर्टिकल फोर कहता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल वन से फोर, जो कि पार्ट वन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से जुड़ा हुआ है। वही आर्टिकल 5 से 11 किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यहाँ पे कहते हैं कि हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, डिसेंट बाय नेचुरलाइजेशन, बाय बर्थ एक्वायर कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 11, विच सेज दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक लेजिस्लेशन इन द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो पार्लियामेंट भारत की कर सकती है। ठीक है ना, जैसे अभी CAA आया 2019 का, उससे पहले 1956 में आया था, तो ये सब चेंजेस पार्लियामेंट करती है, सारे एक्ट को पार्लियामेंट बनाती है। तो ये थे हमारे पार्ट सेकंड तक की सारी बातें। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। देखो वैसे फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, आप इस टॉपिक को जरूर ही कवर अप तो कर ही चुके होंगे, बट स्टिल हम एक बार इसके बारे में ओवरव्यू लेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर अप करेंगे। सबसे पहले है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले इसमें जो आपने समझनी है, ये मैं आपको उसी वे में समझाना चाहूंगी क्योंकि इसमें लिखने का और समझाने का बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है।
तो देखो भाई, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पास दो तरीके के अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार हैं जो अपने आप में किस तरीके के कहे जाते हैं, जस्टिशिएबल। और डीपीएसपी वो अधिकार हैं जो कि अपने आप में क्या कहे जाते हैं, नॉन जस्टिशिएबल। तो ये जो डिवीजन है कि एक जस्टिशिएबल रहेगा और एक नॉन जस्टिशिएबल रहेंगे राइट्स, ये डिवीजन किस पर्सन ने दी थी, इनका नाम भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बी एन राव, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम लोगों के जो भी राइट्स होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक होंगे जिसके लिए आप जस्टिस मांग सकते हैं और एक होंगे जिनके लिए आप जस्टिस नहीं मांग सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल हैं अपने आप में, इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले इनको स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35, जबकि ये लिखे गए हैं आर्टिकल नंबर 36 से 51। ये कॉन्सेप्ट की कुछ चीजें हमने बोरो की है यूएसए से, जबकि इसकी बोरो करी है हमने यूएसएसआर से। ठीक है, अब सॉरी आयरलैंड से, यूएसएसआर से तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। आयरलैंड जो है उसने खुद ये टॉपिक कहाँ से बोरो किया है, स्पेन से। तो ये तो बेसिक सी चीजें हो गई, मेन तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो देखिए भाई, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये ह्यूमन राइट से अलग होते हैं। ह्यूमन राइट्स बेसिकली बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन राइट्स कहता है कि वो यूनिवर्सली मिल रहे हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स हमको किसकी वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे कहाँ पे लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करके देता है, जबकि ह्यूमन राइट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की गारंटी कोई सिंगल नहीं है, ह्यूमन राइट्स हम लोगों को डाइवर्सिफाइड मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, ह्यूमन राइट्स का हम लोग अलग से दिन भी मनाते हैं जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वो क्या अडॉप्ट किया गया था, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए ये अलग से भी एक दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पास मेन स्टार्ट होते हैं हमारे आर्टिकल नंबर जो है ये 14 से शुरू होकर के 32 तक जाते हैं, जबकि आर्टिकल 12 और 13 इसकी एक समरी की तरह काम करते हैं। समरी का मतलब है यहाँ पर बेसिक बेसिक चीजों के लिए काम करते हैं। आर्टिकल 12 हमारे डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है कि हमारी स्टेट की डेफिनेशन क्या रहेगी, इसमें हमारी गवर्नमेंट इंडिया की, हमारी स्टेट की गवर्नमेंट, हमारी लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, हमारी सारी चीजों को, लोकल बॉडीज, अदर अथॉरिटीज, बैंक्स, LIC, सबको इंक्लूड करके स्टेट की डेफिनेशन बनी है। ठीक है, तो कहीं पर भी स्टेट वर्ड आता है आप याद कर लो कि इसका मतलब होता है कि सबको ही इंक्लूड किया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसमें बहुत कंट्रोवर्सी रहती है कि जुडिशरी स्टेट का पार्ट है या नहीं है, वो भी एक कॉन्ट्रोवर्सी है। बाकी आर्टिकल 13 किसके ऊपर बात करता है, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, ये वर्ड मेंशन नहीं है बट ये उसमें रिफ्लेक्ट होता है, जिसका अर्थ होता है कि अगर कभी भी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ क्रिएट कर देती है जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो वो लॉ क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगा। और इसके लिए एक वर्ड है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू वर्ड इज नॉट मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम यूएसए, बट ये वर्ड जो है अपने आप में एक बस रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जैसे फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा पर वो शेड्यूल नंबर 7 में रिफ्लेक्ट होता है, सेम एज दैट वे जुडिशियल रिव्यू भी रिफ्लेक्ट होता है, मेंशनड नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, अनटचेबिलिटी, माइनॉरिटीज, ये मेंशनड है बट डिफाइन नहीं है। स्टेट मेंशन भी है और डिफाइन भी, क्योंकि डेफिनेशन दे रखी है तो डिफाइन भी है। ठीक है, मेन हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आते हैं जो कि किसकी बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी। अब देखो भाई, जिन तो बच्चों को याद हो जाता है आसानी से राइट टू इक्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं लर्न होता, मैं छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको जिंदगी भर लर्न रहे ये चीज। सबसे पहले तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी कहता है। ठीक है, आर्टिकल 14 तो राइट टू इक्वालिटी सीधी सी बात करता है कि यहाँ पर हर कोई इक्वल है। ठीक है, इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आते हैं। ठीक है,
लेकिन 15, 16, 17 और 18 ये किसके बारे में बात करते हैं? 15 हमें प्रोटेक्शन देता है किसके अगेंस्ट? डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो ये हमें राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देता है, ये राइट टू इक्वालिटी देता है किसकी? अपॉर्चुनिटी की। किस चीज की अपॉर्चुनिटी? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 हमें किसके बारे में बात करता है? राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। और 18 बात करता है राइट अगेंस्ट टाइटल्स। ये हैं हमारे चारों राइट्स। अब इनको आप कैसे लर्न करोगे? डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी, टाइटल्स, चार है ना, DOUT, डाउट की फॉर्म में। ठीक है, कोई सिर पैर नहीं है बात का, ठीक है, बस लर्न करने का तरीका है। डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी, टी से टाइटल्स। लर्न करोगे ऐसे आप, ठीक है। वैसे डाउट की स्पेलिंग तो अब आप लोग बोलोगे मैम आपको डाउट की स्पेलिंग नहीं पता क्या? डाउट की स्पेलिंग DOUBT होती है, पता है मुझे, बट बात यह है कि भाई ट्रिक बनाने के लिए जो आसानी बन जाए, ठीक है, ट्रिक बनानी है हमको तो लर्न करने से मतलब है। तो डी से डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ओ से अपॉर्चुनिटी हो गई, यू से अनटचेबिलिटी और टाइटल्स। डिस्क्रिमिनेशन भाई पांच चीजों के ऊपर बोली गई है। पांच चीजें कौन सी है? पहली है कि आपको प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर जो है पर्सन का, उसके बेस पर, कास्ट के बेस पर, कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब कि उन पांच में नहीं कर सकते, बाकियों पे कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये होगा कि उन पांच में नहीं करनी, बाकी पे कर देनी है। तो डिस्क्रिमिनेशन का ये है। अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी वर्ड सिर्फ मेंशन्ड है, डिफाइन कहीं नहीं किया गया है। डेफिनेशन आगे चल के मद्रास हाई कोर्ट ने दी थी उसकी, कि भाई आप किसी भी पर्सन को उसके रिसोर्सेज का एक्सेस करने से मना कर रहे हो, तो इस तरीके की डेफिनेशन है। और टाइटल्स में हमारे पास हेरिडिटरी टाइटल्स जो हैं आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू कैन ओनली यूज मिलिट्री एंड अकेडमिक टाइटल्स। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमें आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी में दी गई है, आर्टिकल 14 से 18 तक ये सब लिखा गया है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट इसमें शुरू होता है 15 से लेकर के, सॉरी 19 से लेकर के 22 तक। इसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगी, वो भी लर्न कर लेना। 19 यहाँ पे किसकी बात करता है? क्या मिलनी चाहिए आपको? फ्रीडम मिलनी चाहिए। फ्रीडम कितने पॉइंट्स है इसमें? 6 पॉइंट्स की फ्रीडम मिल रही है। ओरिजिनली इसके अंदर 7 थे, लेकिन इसको रिड्यूस करके 7 की जगह 6 कर दिया गया, तो अभी 6 पॉइंट्स हैं। फिर आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 इसमें हमें कहता है कि हमें क्या करना है? राइट टू दी कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो उस केस में उस पर्सन के पास क्या राइट होगा। 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A हमें अगेंस्ट की बात करता है अरेस्ट, एंड 22 यहां पर किसकी बात करता है? सॉरी 21A एजुकेशन के लिए है, राइट टू एजुकेशन, और ये बात करता है राइट अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपको याद करने हैं। ये वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रही हूं भाई, ये है इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये है ना हमारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट। तो डाउट तक तो आपने 18 में याद कर लिया, फिर आप फ्रीडम याद करोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? इसका क्या है? सी, इसका है एल, इसका है ई और इसका है AR। तो क्या ट्रिक बन जाएगी? डाउट क्लियर, ठीक है, क्लियर के फॉर्म में इसको लर्न करोगे, तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम लर्न हो जाएंगे। पर इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि 21 के बाद 21A आता है, कहीं 22 लिख दोगे तो खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। और बीच में 19 स्किप हुआ है, मेन हेडिंग को स्किप किया है हमने, ठीक
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें पूरे को लर्न कर सकते हो कि कौन कौन से आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको भी आप ऐसे ही लर्न कर लेना। फ्रीडम में 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 6 6 पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में दिया हुआ है कि हमें इन चीजों की फ्रीडम मिलती है, लेकिन इस पूरे में भी हमें क्या मिलती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि उस पर आप रोक जो है वो लगा सकते। वही कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके लिए भी 3 पॉइंट्स हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। फिर पर्सनल लिबर्टी, इससे जुड़ा हुआ हमारा एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसको हम कहते हैं मेनका गांधी केस। ये मेनका गांधी केस 1978 का अब्रॉड ट्रैवल के ऊपर था और इसके बाद इसके अंदर मैक्सिमम चेंजेस किए गए हैं। आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत सारे नए नए चेंजेस को अप्लाई किया है, जैसे कि गवर्नमेंट ने इसमें जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट ऑफ अ वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, इनको इसमें ऐड करा है। तो इस वाले में बहुत सारे पॉइंट्स एडेड है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया है। वही अरेस्ट, अरेस्ट उसमें क्या कहता है भाई, कि किसी भी व्यक्ति को जो आप डिटेंशन दे रहे हो वो एक आप कह लो कि वो डिटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको इन्फॉर्म्ड हो कि क्यों आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, उसके ग्राउंड्स इन्फॉर्म होने चाहिए, तो उस तरीके से आर्टिकल 22 आता है। वही 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। 23 वाले में हमारी चाइल्ड फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग आती है, 24 वाले में चाइल्ड लेबर आती है। उसके बाद 25 से लेकर 28 तक रिलीजन के ऊपर बात की जाती है कि हम लोग रिलीजन को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात कर रहा है। इसमें कल्चर प्रोटेक्शन है और इसमें माइनॉरिटीज को एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने की परमिशन दी गई है। 31 डिलीटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के रिस्पेक्ट में उसको डिलीट कर दिया गया है। वही आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, ठीक है, जो कि क्या इंप्लीमेंट कराते हैं, रिट्स को इंप्लीमेंट कराते हैं, जो कि 5 तरीके की होती है। अब रिट्स पे बहुत सवाल आते हैं इसलिए मैं उसको जरूर रिवाइज कराऊंगी। पांचों रिट्स में सबसे पहली आती है हैबियस कॉर्पस, फिर आती है मैंडेमस प्रोहिबिशन, सर्शोरारी एंड को वारंटो। सीक्वेंस यही याद करना है, पांचों रिट्स का ये एक सीक्वेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो आपको ये पांचों पता होनी चाहिए और इनके मीनिंग्स। हैबियस कॉर्पस मीनिंग क्या होता है, टू हैव अ बॉडी या फिर टू प्रोड्यूस अ बॉडी, बाहर निकलवाने के लिए। मैंडमस कमांड करने के लिए किसी पब्लिक ऑफिसर को, प्रोहिबिशन प्रोहिबिट करने के लिए या फिर फोरबिट करने के लिए, सर्शोरारी रिव्यू करने के लिए, और लास्ट बाय व्हाट अथॉरिटी। हाँ भाई, हैबियस कॉर्पस किसी भी व्यक्ति के लिए लगाई जा सकती है। किसी भी पर्सन को अगर जेल से बाहर निकलवाना है, अगर वो इलीगली डिटेन्ड है, इलीगली डिटेन का मतलब उसको जबरदस्ती जेल में रखा गया है इलीगल तरीके से, तो बाहर निकलवाने के लिए हम हैबियस कॉर्पस के रिट को लगा सकते हैं। ऐसे ही मैंडमस कमांड करना है किसी पब्लिक ऑफिसर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। प्रोहिबिशन, ये दोनों जो रिट्स होती है ना, ये सिर्फ कोर्ट्स आपस में यूज करती है, ठीक है। प्रोहिबिशन में क्या होता है, कोई जो अपने बड़ा कोर्ट अपने से छोटे कोर्ट के अगेंस्ट लगाता है, अगर वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के दायरे से बाहर जा रहा है, ठीक है, समझना बात को। इस वाले में क्या है, जैसे हमारे पास ये कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ऐसे ही है ना।
सुप्रीम कोर्ट अपने से छोटे कोर्ट के अगेंस्ट इस रिट को लगाएगा उसको रोकने के लिए, और सर्शोरारी में रिव्यू हो रहा है। रिव्यू कब करते हैं? जब जजमेंट दी जा चुकी होती है। तो इस वाले केस में जजमेंट को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ मैं। इसमें क्या होता है, जैसे तुम अपने घर में बड़े भाई या बहन हो एग्जाम्पल के लिए, और तुमसे छोटा भाई या बहन है, वो तुम्हें पता है कि भाई उसका ये दायरा है, उस दायरे से बाहर जा रहा हो, ठीक है, तुम्हारा भाई या बहन उस दायरे से बाहर जा रहे हैं, तो बड़े होने के नाते तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? या तो उसके साथ मिल जाओगे तुम, ठीक है, या फिर क्या करोगे, बड़े हुए हो तो फिर उसको रोकोगे, क्या करोगे, प्रोहिबिट करोगे, समझे बात को? तो यहाँ पर प्रोहिबिशन हो रही है, रोक रहे हो उस आप अपने भाई या बहन को कि भाई ये जो काम है वो तुम्हारे दायरे से बाहर है, मत जाओ, रोकोगे ना। मान लो तुम्हारे छोटे या भाई बहन ने कांड कर दिया है कुछ, यहाँ पर कांड कर दिया जो भी उसने करना था, तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम उस कांड को ठीक करोगे, है ना, करोगे ना, कोशिश तो यही करोगे। तो वही चीज है सरसरारी। इसके अंदर क्या किया जाता है, उसकी जो इन कोर्ट्स ने जो गलती करी है वो यहाँ पे ये वाला कोर्ट उस गलती को स्क्वैश करके, उस ऑर्डर को जीरो करके, उसको नल करके उसको ठीक कर सकता है, समझे बात को? तो हम ये कह सकते हैं सर्शोरारी की जो रिट है इट इज मोर लाइक क्यूरेटिव इन नेचर, ठीक करके दे रही है। तो ये है आपकी रिट का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये कोर्ट्स यूज करते हैं ये रोकने के लिए। इट इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू इंफीरियर कोर्ट टू स्टॉप द जजमेंट इफ देर एक्सीडिंग द ज्यूरिसडिक्शन, वेयर एज सर्शरारी इज यूज बाय सुपीरियर कोर्ट टू द इंफीरियर कोर्ट टू करेक्ट द जजमेंट ऑलरेडी गिवन। ओके, तो ये एग्जाम्पल से दिमाग में रखना। और लास्ट है कोवरंटो, किस अधिकार से, कोई भी व्यक्ति किस अधिकार से किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, वो हमारा कोवरंटो में आता है। तो ये वाली रिट मैंडमस वाली भी पब्लिक ऑफिसर के लिए जा रही थी, हैबियस कॉर्पस के रिट किसी भी इंडिविजुअल के लिए जा रही थी, ठीक है भाई? तो इस तरीके से याद रखना आपको, ठीक है भाई? मैराथन क्लास है इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी रहेगी स्पीड, और थोड़ा हंसी मजाक और वो सब चीजें भी कम रहेंगी, क्योंकि मैराथन क्लास में ये सब पॉसिबल नहीं है करना, उसमें फटाफट स्पीड में हम करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम 6 अगस्त को आने वाला है। तो 6 अगस्त के एग्जाम के लिए जितना जल्दी रिवाइज कर लोगे चीजों को, एक होलिस्टिकली ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो इसलिए कोई बीच में क्लास में हंसी मजाक भी नहीं कर रही हूँ मैं, और ना ही बहुत डीप में बता रही हूँ, बहुत ही होलिस्टिकली बता रही हूँ मैं। इसके बाद हमारा आता है भाई आर्टिकल नंबर 33। 33 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है इसके पास अधिकार है फंडामेंटल राइट को ये क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है। किनके फंडामेंटल राइट्स के लिए ये चीजें पॉसिबल हैं? डिफेंस फोर्सेस वालों के लिए, पैरामिलिट्री, एनालॉगस, पुलिस, या फिर जो हमारी टास्क फोर्स क्रिएट की जाती है, ठीक है, उन सब के लिए, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। क्या कर सकते हैं? इन सब के अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को हमारी पार्लियामेंट कंट्रोल करके रख सकती है। उसे हम क्या कहते हैं, ये आर्टिकल 33 में मेंशन किया हुआ है। क्लियर हो गया भाई सबको यहाँ तक? ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं, ठीक है भाई? पूरे फंडामेंटल राइट्स को 20 मिनट में कर दिया हमने, रिकॉर्ड है ये वाला, रिवाइज कर लेना 20 मिनट में आराम से, ठीक है? 20 मिनट में पूरे फंडामेंटल राइट्स को फिर मैंने ऊपर ऊपर से बताया, डिटेल में नहीं बताया, आर्टिकल 19 के 6 पॉइंट्स मैंने नहीं बताया, ठीक है? बट मैं शॉर्ट शॉर्ट में ये बता रही हूँ कि भाई जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड इन नेचर। दैट मीन्स कभी भी उनके ऊपर क्या लगा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। स्टेट जो है वो पब्लिक हेल्थ मोरालिटी इन केसेस में इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ठीक है? उसे हम कहते हैं भाई कि मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड, मतलब उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा के रोका जा सकता है हर फंडामेंटल राइट को, ठीक है? बस आर्टिकल 24 है चाइल्ड लेबर जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगती है, बाकी सब पे आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। तो ये भी इसमें याद रखना। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं,
इनमें से आर्टिकल 19 जो है उसको हम कभी भी सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाता है। कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड करा दिया जाता है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 358 में, ठीक है। वही आर्टिकल नंबर 359 कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के किसी भी राइट को आप सस्पेंड करते हो तो उसके लिए आपको क्या पास कराना पड़ेगा? नोटिफिकेशन। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट चीजें जिनको दिमाग में रखना, इनसे सवाल खूब बनते हैं। ये थे फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट बताया मैंने, बहुत डीप में नहीं बताया, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। नोट कर सकते हैं सब लोग इसको। नेक्स्ट है हम लोगों के सामने फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4A में लिखा गया है। पार्ट 4A जो कि आर्टिकल नंबर 51A में लिखा गया है। अब ए का मतलब ये होता है ये सीक्वेंस में नहीं आया है, इसको बाद में ऐड किया गया है, और इसको ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको ऐड किया गया है, ठीक है। ओरिजिनली नहीं था, ओरिजिनली नहीं था, बाद में 10 ऐड हुए और 10 के बाद एक और जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होती है। तो टोटल हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई? 11। तो यहाँ पर ये 11th वाली 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुई। फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा कॉन्सेप्ट उस समय का यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है जो कि आज के समय का रशिया हो गया है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। उसमें 15 कंट्रीज आती थी। 15 कंट्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए, नहीं पता तो जाइए गूगल करिए, बताने को मैं अभी बता सकती हूँ, बट वो बात है कि टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। वो हिस्ट्री का टॉपिक है या मिसलेनियस में कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर भाई जापान के कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ओरिजिनली लिस्ट ऑफ ड्यूटीज लिखी हुई थी, हमारे में बाद में ऐड हुई है। स्वरण सिंह कमेटी के कहने पर ये सारी ड्यूटीज को ऐड किया गया है, और स्वरण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो कुछ इस प्रकार से दी थी। उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि हमें ड्यूटीज के अंदर पेनल्टी और पनिशमेंट भी ऐड करनी चाहिए अगर आप कभी कुछ गलत करते हो तो, और आपको यहाँ पर और कभी भी कोई पेनल्टी और आपकी पनिशमेंट है तो उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन क्वेश्चनेबल होगा वो। और साथ ही साथ आप टैक्सेस भी पे करो, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाओ सबकी। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि वोटिंग देना भी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। पर हुआ क्या कि ये ड्यूटीज को रिकमेंड नहीं किया गया। तो क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में कि ऑल द ड्यूटीज रिकमेंडेड बाय स्वरण सिंह, सरदार स्वरण सिंह, वर इन कोऑपरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रॉन्ग है ये, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। सारी ड्यूटीज ऐड नहीं हुई थी, उसमें से कुछ ड्यूटीज को ऐड किया गया था जो कि आज हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बनी हुई है। आई होप बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप सभी को आती होंगी, नहीं आती तो आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आती हैं, एग्जाम में और वैसे भी अपने को पता होना चाहिए भारत के नागरिक हैं हम, ठीक है। तो ये जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों ने याद रखनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये सिर्फ हमें सिटीजन्स के पास हैं और सिटीजन्स को ही निभानी है, फॉरनर्स को नहीं, और ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। बट पार्लियामेंट इसमें कोई लेजिस्लेशन पास करके इसको जो है इन्फोर्सेबल कर सकती है, ठीक है। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको सारी की सारी लर्न करनी है, चाहे उसमें कॉम्पोजिट कल्चर के प्रिजर्वेशन हो। एक चीज और, क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में कहीं पर भी ये जिक्र किया गया है विमेन के ऊपर? तो यस, फंडामेंटल ड्यूटीज में विमेन का जिक्र किया गया है। लिखा है राइट ऑफ अ विमेन टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड टू रिनाउंस द डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट विमेन। वुमेन के अगेंस्ट डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस चल रही है उसको रिनाउंस करने के लिए, ठीक है। तो ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज का याद रखिएगा। 10+1 का सिस्टम है, 1042nd अमेंडमेंट एक्ट 1 जो है वो, बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन के रूप में पेरेंट्स और गार्जियंस की ड्यूटीज दी गई थी। राइट्स मिल रहे हैं ना, ड्यूटी भी तो करनी पड़ेगी। राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड। हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज
को रिलेट करती हैं। अगर आपको अधिकार मिल रहा है तो आपके फर्ज भी बनते हैं। आपका अधिकार है ना कि आपको आपके पेरेंट्स पढ़ाएं, फीस खर्च करें, पूरा सब करें, तो आपकी भी तो ड्यूटी है ना कि उनको उसका रिवॉर्ड दें एग्जाम क्लियर करके। ठीक है, आगे मोटिवेशन थोड़ी सी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत तो मन में आया होगा, नहीं यार बात तो ठीक कह रही है मैम, पढ़ ही लेते हैं हम लोग अच्छे से, और अच्छे से पढ़ लेते हैं जरा, और क्वालिटी पूरी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे भाई। ये हमारा 51A तक होता है कंप्लीट। अब हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है ये 52 आर्टिकल से शुरू हो जाएगी, जिसमें 52 से 62 आर्टिकल तक किसका जिक्र किया गया है? प्रेसिडेंट का किया गया है हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में। ऐसे ही इसके बाद 63 से 73 तक किसका जिक्र किया गया है? वाइस प्रेसिडेंट का। 74 और 75 भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ चीजें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र किया गया है। उसी के साथ साथ, इन दोनों के जिक्र के साथ साथ इससे जुड़ा हुआ 76 अब है अटॉर्नी जनरल के लिए। ठीक है, ये पांच किसमें काउंट किए जाते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव। वहीं आपसे स्टेट एग्जीक्यूटिव पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट की जगह वाइस गवर्नर कुछ नहीं होता, वो पोस्ट खाली रहेगी। प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम रहेंगे, अटॉर्नी जनरल की जगह एडवोकेट जनरल। क्लियर? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। अब आप सभी लोग जानते हैं प्रेसिडेंट पर, प्रेसिडेंट जो है भारत के, जो कि आर्टिकल्स आप देख सकते हैं काफी सारे हैं, वैसे 78 ना लिख करके, 78 में थोड़ा सा जिक्र है, हम 62 लिख सकते हैं। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स, प्रेसिडेंट जो है भारत के हेड कहलाते हैं, फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं इंडिया के, ही इज द कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। अब एक फैक्ट ये याद रखिएगा, क्या हमारे प्रेसिडेंट दोबारा से रीइलेक्ट हो सकते हैं? यस। क्या कभी ऐसा हुआ है? यस, राजेंद्र प्रसाद हैज बीन इलेक्टेड ट्वाइस, दो बार आए थे। ठीक है, आइए, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था, इसलिए नहीं आए थे। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या दी है कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल दी है। क्या दी है? कि वो क्या होने चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है 35, और ये एज का क्राइटेरिया मिनिमम है या मैक्सिमम है? देखो मिनिमम एज है, मिनिमम है। अब मैक्सिमम कितनी एज है? दी नहीं हुई, जब तक है जान तब तक रह सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम एज कुछ दी ही नहीं हुई है, लेकिन ये बोला गया कि भाई आप मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, पर लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। प्रेसिडेंट ना लोकसभा ना राज्यसभा किसी का मेंबर नहीं हो सकता, एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, एलिजिबल होगा। एग्जाम्पल देती हूँ इसका मैं, जैसे जैसे आप सभी लोग अभी, मतलब बुरा मत मानना इस चीज का, आप सभी लोग जो है अभी CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए एलिजिबल हो, बने नहीं हो। ठीक है, बुरा मत मानना कोई भी, इट जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस। मैं मतलब कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती, सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि ऐसा डिफरेंस होता है। ठीक है, बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद एक तो ये तीन पॉइंट, और चौथा पॉइंट दिया गया है, इसमें नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कोई। अब जब भी कोई प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनको पहले RBI में ₹15,000 डिपॉजिट कराने होते हैं, और अगर वो 1/6 पोल को भी सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो उनका ये सिक्योरिटी अमाउंट फोरफीट हो जाता है, जब्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इनको ओथ कौन दिलवाते हैं? भारत की CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। उनकी एब्सेंस में कोई सीनियर मोस्ट जज वहां पे कर सकते हैं, उनको यहाँ पर ओथ दे सकते हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑफिस में आ गए दोनों पॉइंट जो बताए थे, नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, लोकसभा राज्यसभा का, और ना ही कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। इनके जितने भी अमोलमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस होते हैं पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं, और कहाँ लिखा हुआ है ये बात, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, सेकेंड शेड्यूल में। ठीक है, उसके बाद इनकी टर्म ऑफ ऑफिस में इनकी सैलरी रिड्यूस नहीं होती, 5 लाख सैलरी है। ठीक है, कहाँ से आती है 5 लाख सैलरी? कौन से फंड से? CFI, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। ठीक है, आर्टिकल 266 CFI का।
उसके बाद ये होते हैं भाई इम्यून फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सही बात है, ठीक है, इनको इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता, 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ता है पहले, ठीक है भाई, इनको यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल एक्ट्स हैं उसमें इनको पर्सनल इम्यूनिटी इम्यून मिलता है। तो ये थे प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में, टर्म 5 साल का, रीइलेक्शन भी पॉसिबल होता है। और क्या कभी किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो गई मान लो, तो कौन आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की डेथ पे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई मान लो, दोनों साथ में छुट्टी मनाने गए थे, ठीक है, मतलब मान लो, मानने को ही कह रही हूँ मैं, ठीक है, तो कौन आएंगे, सीजीआई, सीजीआई भी साथ में गए थे मान लो, तीनों लाइन लगा के नहीं है, तो कौन आएंगे नेक्स्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर आएंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल, ठीक है। अब ये मत सोचना कि वो भी चले गए साथ में, सारे नहीं जा सकते, कोई तो देश में रहेगा। चलो अब मान लीजिए, अच्छा ये बताओ कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारे किसी प्रेसिडेंट की डेथ जो है वो अपने ऑफिस में हुई हो, तो यस 2 बार ऐसा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ होने पर कौन आए थे यहाँ पर, वीवी गिरी, ठीक है, वो आगे चल के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं, वो ये 6 मंथ्स तक अलाउड है। और फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ पे कौन आए थे, बी डी जत्ती, इनका नाम मैं लिख रही हूँ आप लोग याद कर लीजिएगा, बी डी जत्ती, ठीक है भाई, तो ये भी आपको याद रखने हैं। और इनकी डेथ होने ये जो है इनके टाइम पे बीडी जत्ती जो है वो इंक्लूड हो गए थे, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं डायरेक्टली, इसके अंदर कौन कौन किस में इंक्लूड हुए थे, ठीक है भाई। चलो अगले पे बढ़ते हैं आगे, ये सब थे आपके प्रेसिडेंट से जुड़े हुए टिट बिट्स फैक्ट, जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब प्रेसिडेंट पे सवाल जो है मैक्सिमम ये वाले बनते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, प्रेसिडेंट का टर्म, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन अपना वाइस प्रेसिडेंट को लिख के देंगे, ये आपको बता दिया है मैंने। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, इससे पहले मैं आपको इलेक्शन का प्रोसेस समझाती हूँ, उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा है समझाने के लिए, बिकॉज वो एक समझाने वाला प्रोसेस है, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ दिया था। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, अब समझना इसके ऊपर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में एमपी भी पार्टिसिपेट करते हैं और एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं। कौन एमपी कौन एमएलए समझना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के। लोकसभा के कितने, 543 सारे के सारे, राज्यसभा के कितने, 245 होते हैं, उसमें से ये 12 लोग जो नॉमिनेटेड बताए थे ना वो पार्टिसिपेट नहीं करते, बचे कितने, 233। सो कितने लोग हो गए, ये माइनस कर दिए, क्यों, क्योंकि इनको प्रेसिडेंट ने तो अपॉइंट किया था, तो बचे कितने लोग, 776। दी 776 पीपल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ एमपी, Whereas, if I talk about MLA, तो वो सारी स्टेट्स के MLA करते हैं पार्टिसिपेट, और सभी स्टेट्स के MLA की वोट की वैल्यू अलग होती है, ठीक है, वो वोट की वैल्यू के लिए आप अलग से वीडियो देखिएगा, ठीक है, वो भी समझाने का टाइम नहीं है इसलिए मैं समझा नहीं रही हूँ, ठीक है। तो स्टेट MLA जो है वो यहाँ पर अलग से चुने जाते हैं, वो अलग से यहाँ पे वोटिंग दे करके पूरा उनका MLA का चलता है। MLA के लिए खास बात आपको क्या याद में रखनी है स्टेट्स के लिए यहाँ पर, कि जो हर स्टेट के एमएलए, यूपी के जो हैं एमएलए 403 करेंगे, राजस्थान के 200, दिल्ली के 70, सब एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यूटी में 3 यूटीज हैं अभी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के, ठीक है, हो जाएगा ये पूरा लर्न इलेक्शंस में। इलेक्शन में लोग याद रखना, इम्पीचमेंट समझो आप, इम्पीचमेंट में पहली बात तो क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके तहत उनको इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, आर्टिकल 61, ठीक है, आर्टिकल 61 में है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो ये भी याद रखना है, मीनिंग ऑफ फ्रेज इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी को बहुत पसंद है, क्या चीज मेंशन है, क्या चीज डिफाइन है, क्या नहीं है, क्या बड़ा पूछती है, ठीक है। तो ये फ्रेज जो है सर मेंशन है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे अनटचेबिलिटी, जैसे माइनॉरिटीज, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में मेंशन है, डिफाइंड नहीं है, माइनॉरिटीज आर्टिकल 30 में मेंशन है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है।
चलो अब ये पहली चीज तो, क्या इसको किस हाउस में लेके जाएंगे, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी ले जाओ, मर्जी है हमारी, ठीक है ना। और इसको 1/4 मेंबर जो है यहाँ पे साइन करेंगे, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, और ये जो रिजोल्यूशन होगा इसे 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड मेजोरिटी यहाँ पे पास करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करवाया जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर जो ये लोग होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर नॉट वर्ड पे ध्यान दो, जो लोग इनको इलेक्शंस में हेल्प कर रहे थे, मैं इसमें कंपेयर कर देती हूँ, ये है ना। आओ अब वापस इम्पीचमेंट में, लोकसभा के सारे मेंबर्स आएंगे, राज्यसभा के इनको हटाने में सारे मेंबर्स आएंगे, टोटल हो जाएगा 788, सारे मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो एमएलए थे ना, इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, इम्पीचमेंट में एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये 12 मेंबर यहाँ पे वोट दे रहे थे, और यहाँ पे वोट मतलब यहाँ पे नहीं दे रहे थे, यहाँ पे वोट देंगे, ठीक है, देख लो। तो वी कैन से दैट इलेक्शन कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड द इम्पीचमेंट कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट सेम, दैट इज डिफरेंट, देख लो ना आप, डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा, इनका इम्पीचमेंट अभी तक किसी को भी यहाँ पर इम्पीच नहीं किया गया है, ये प्रोसेस क्वासी जुडिशियल होता है पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए लाइबल होती है, पार्लियामेंट यहाँ ये डिसीजन लेती है कि हम प्रेसिडेंट को कैसे हटाएंगे, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। सो पार्लियामेंट प्लेज अ रोल ऑफ क्वासी जुडिशरी बॉडी इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट की पावर्स आप लोगों को पढ़नी है अलग से, यहाँ बता देती हूँ मैं, प्रेसिडेंट की पावर्स में आप लोगों को प्रॉपरली हेडिंग पढ़नी है एक एक करके, जैसे कि पहले लेजिस्लेटिव पावर्स, जो हमारी प्रेसिडेंट है उनकी लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लॉ बनाना, और लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। तो यहाँ पर पार्लियामेंट से जुड़ी हुई पावर कि पार्लियामेंट को समन करना, पार्लियामेंट को प्रोरॉग करना, समन मीन्स टू कॉल, प्रोरॉग मीन्स टू एंड, तो समन और एंड करना किसकी जिम्मेदारी होती है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर इसी केस में वीटो पावर लगवा सकता है, हमारे प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर होती है, सस्पेंसिव, एब्सोल्यूट एंड पॉकेट, क्वालिफाइड वीटो उनके पास नहीं होती, क्वालिफाइड वीटो इज प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर वीटो पावर प्लस किसी भी बिल को एक्ट बनाने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, जब तक प्रेसिडेंट का फाइनल एसेंट नहीं मिल जाता कोई भी बिल जो है वो एक्ट के रूप में नहीं जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट हाउसेस के पास रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं, प्लस प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेस, ओके। इन चारों के अलावा स्पोर्ट्स को ऐड मत कर देना, बहुत से बच्चों को स्पोर्ट्स का डाउट होता है कि हाँ स्पोर्ट्स तो है ही, सचिन तेंदुलकर तो थे ही, ठीक है, बिल्कुल थे सचिन तेंदुलकर, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स का अलग कॉलम नहीं है, आर्ट में ही लिखा गया है, ठीक है। चलो अगला, ऐसे ही आप लोग इसमें प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को भी पढ़ोगे। एग्जीक्यूटिव पावर का यहाँ पर क्या मतलब है, एग्जीक्यूटिव पावर में क्या चीजें आती है, ये मैं आपको अलग से समझा देती हूँ यहाँ पर ये सारी चीजों को। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट में, एग्जीक्यूटिव पावर में सारी की सारी प्रेसिडेंट की कौन सी पावर्स को काउंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर को। तो अपॉइंटमेंट रिलेटेड पावर प्रेसिडेंट की कौन कौन सी होती है, प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, हमारे भारत में जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 33+1, एक सीजीआई होता ना, और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के भी जजेस को यही अपॉइंट करते हैं, अलग से इसमें ये याद रखना कि भाई हाई कोर्ट को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये कितने जजेस हो जाएंगे टोटल, 34 अपॉइंटमेंट में ये। उसके अलावा कैग आर्टिकल 148, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का 63 से 73, प्राइम मिनिस्टर का 74 और 75, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124, हाई कोर्ट का 214, कैग का 148, इनको भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी करते हैं। ऐसे ही फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280, इसमें चेयरमैन भी होते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर 4 अदर मेंबर्स भी होते हैं, उनको भी अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आर्टिकल इज
अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है 76, उनको भी यही अपॉइंट करते हैं. सेम एज दैट वे यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन एंड यूपीएससी के 9 से 11 मेंबर्स, उनको भी यही अपॉइंट करते हैं. आर्टिकल कौन सा है यूपीएससी का 315 से 323. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट यही करते हैं, आर्टिकल 324 से 329. ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स किसके हाथ में होती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास. तो ये सब इनकी एग्जीक्यूटिव पावर में काउंट किया जाता है. तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव. सेम गोज फॉर जुडिशरी पावर. प्रेसिडेंट की जुडिशरी पावर में क्या काउंट किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं. एंड आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एडवाइस जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, आर्टिकल 143, सॉरी ये 143 है, 123 नहीं है, 143, 143 में तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस किसी भी टॉपिक पे ली जा सकती है. और सुप्रीम कोर्ट ये एडवाइस पहली बार देने से मना भी कर सकते हैं. और ये एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट. ठीक है, जुडिशरी पावर्स में काउंट करेंगे. सेम एज दैट वे इनकी हम लोग फाइनेंशियल पावर्स देखेंगे. फाइनेंशियल पावर्स में क्या क्या चीजें आती है, फाइनेंशियल पावर में सबसे पहली चीज आती है कि बजट इनकी परमिशन से आता है. बजट, बजट कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है नहीं, उसकी जगह कौन सा वर्ड दिया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कौन सा आर्टिकल है 112, इनकी परमिशन. दूसरा, फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. तीसरा, लोकसभा में जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स के लिए वोटिंग होती है वो भी किसकी परमिशन से पहले की जाती है, फाइनेंशियल उसमें ही पावर्स में काउंट किया जाता है, प्रेसिडेंट की परमिशन से होता है. तो ये सारी चीजें प्रेसिडेंट की पावर्स में काउंट किया जाता है. फाइनेंशियल ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123 में लिखा हुआ है. तो ये सारी पावर्स वन बाय वन किसके अंदर काउंट होती है, प्रेसिडेंट की. तो ये थे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि किससे जुड़ी हुई थी, हमारे प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई थी.